The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचाई, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी। सोच अब बस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दुश्मन, क्या कर रहे? छोड़, मुझे मेरे मुल्क वापस जाने। तो आज है 14 जून और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी पर रिलीज हो चुकी है बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन है। पर क्या ये फिल्म एक्चुअल में चैंपियन निकली क्या? भाई हमसे पूछोगे तो हमें तो कुछ और ही नजर आया। वेल, हमें ये फिल्म काफी एवरेज फिल्म लगी, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जानते हैं। पहले तो हम अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे, जैसे कि कार्तिक आर्यन की कमाल की एक्टिंग। अब टीजर, ट्रेलर, पोस्टर से ही समझ आ रहा था कि कार्तिक का हार्ड वर्क और डेडिकेशन इस फिल्म के प्रति कितना ज्यादा है, और फिल्म में वे कमाल के शाइन भी कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली उनके करियर की बेस्ट फिल्म है, नो डाउट। उन्होंने ऑडियंस को 2 घंटे इमोशनली इंगेज रखने में कामयाबी भी हासिल की है। दूसरा पॉइंट है फिल्म की स्टोरी लाइन। अब हम ये तो जानते हैं कि पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की कहानी है, जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। तो इसमें उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया है। उनकी लाइफ जर्नी में बॉक्सिंग, स्विमिंग, वॉरियर अंदाज को इसमें अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। वेल, तीसरा पॉइंट है इसके सपोर्टिंग स्टार कास्ट। चंदू चैंपियन में भुवन अरोड़ा ने कर्नल सिंह का मजबूत किरदार निभाकर खुश कर दिया है। इसके अलावा भाई के किरदार में अनिरुद्ध दवे, कोच बने विजय राय, और शानदार परफॉर्मेंस दिल खुश कर देती है। श्रेयस तलपड़े एक मजेदार पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आते हैं। ये ऐसे किरदार हैं जो कहानी को मजेदार और आगे बढ़ाने में मदद भी करते हैं। पर हर फिल्म में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती। तो हमने जो कमियां नोटिस की हैं, उसमें पहली बात तो हम सपोर्टिंग स्टार कास्ट की ही करेंगे। इसमें राजपाल यादव, विजय जैसे राज ब्रिलियंट एक्टर्स को कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, जहां ऑडियंस इन्हें और देखना जरूर चाहती थी। जैसे कि कार्तिक के कुछ इमोशनल सीन्स में अगर कोई सपोर्टिंग एक्टर को भी शामिल किया जाता तो उन्हें और देखने का मौका मिलता, और मुरलीकांत पेटकर जी के परिवार वालों के कैरेक्टर्स को थोड़ा और दिखाना चाहिए था। दूसरा पॉइंट होगा फिल्म की स्टोरी लाइन। डेफिनेटली फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसा हमने पहले भी कहा, पर फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो मुरलीकांत जी के बचपन से लेकर उनकी गरीबी पर ही ज्यादा फोकस किया गया, जो कि नॉर्मली हम किसी भी बायोपिक में देखते हैं। पर ऑडियंस एक्चुअल में मुरलीकांत जी की असल जर्नी, जो कि उनके अपाहिज बनने के बाद शुरू होती है, उसे देखने के लिए बेसब्र हो रही थी, जो हमें सेकेंड हाफ से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक कमी है। ऐसे में आपको फिल्म देखने के लिए उतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना। अगला पॉइंट है फिल्म का डायरेक्शन। डेफिनेटली 83 के बाद डायरेक्टर कबीर खान ने इस बायोपिक को जस्टिस देने की बेहतरीन कोशिश जरूर की है। इमोशनली एंगेजिंग फिल्म बनाने में वैसे भी वे माहिर ही हैं, जैसे बजरंगी भाईजान हमने देखी थी। तो चैंपियन में इमोशंस के साथ साथ मुरलीकांत जी की जर्नी की इतनी सारी चीजों को एक साथ दिखाना मुश्किल तो था, पर यही फैक्टर थोड़ा सा अफेक्ट भी करता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हमें एक साथ अगर दिखाई गई तो गड़बड़ होती है, तो वैसा फील यहां हमें आया, और ये चीज आपको फिल्म देखने के बाद रियलाइज जरूर होगी। और उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक जो कहीं सीन्स में अननेसेसरी भी लगता है। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, फिल्म का बीजीएम। तो फिल्म का म्यूजिक शायद बहुत शानदार नहीं लगेगा,
सत्यानाश और सरफराज जैसे गाने ये पसंद आएंगे, पर उतना क्रेजी म्यूजिक भी नहीं है। और इस फिल्म के डायलॉग्स बेहतरीन हो सकते थे, जो किसी भी स्पोर्ट्स ड्रामा और बायोपिक में होने ही चाहिए, जहां आपको गूज बम्स आए। और इसमें तो ऐसे कम डायलॉग्स हैं जो कि आपको ध्यान भी खींचते हैं, जैसे कि ये खोटा सिक्का हुकुम का इक्का कैसे बन गया, या फिर मैं चंदू नहीं चैंपियन हूं। बस तो ये थी इस फिल्म की अच्छाइयां और थोड़ी सी कमियां। वैसे हमें तो फिल्म देखकर यही लगा कि फिल्म 3.5 रेटिंग डिजर्व करती है, लाइक ऑलमोस्ट दैट। पर आपको ये फिल्म देखने के बाद क्या लगा, क्या आप अग्री करते हैं हमारे एनालिसिस से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आजादी से पहले का भारत, महाराष्ट्र के सांगली जिले का पेट इस्लामपुर गांव। 1 नवंबर 1944 की तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ। घर वालों ने नाम रखा मुरलीकांत। आगे दुनिया उसे मुरलीकांत पेटकर के नाम से पहचाने जाने वाली थी। बचपन से ही मुरली का झुकाव खेल कूद की तरफ था। दूसरे बच्चों की तरह कुश्ती के अखाड़े और हॉकी के मैदान में पाए जाते। हर मूवी के स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर में इंसाइटिंग इंसिडेंट नाम का एक पॉइंट आता है। उस पॉइंट से किरदार की जर्नी स्टार्ट होती है, या यूं कहे तो हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। मुरली जब 12 साल के हुए तब ये पॉइंट उनके इंतजार में था। उन्हें गांव के मुखिया के लड़के के साथ कुश्ती करनी थी। मुखिया का लड़का लाड प्यार से बड़ा हुआ। जमीन हल्की सी खुरदरी लगे तो घर वाले जमीन को पीटने लगते। मुखिया के बच्चे को वास्तविक जीवन से बहुत ही दूर रखा गया था। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुरली ने अखाड़े में उस बच्चे को पछाड़ दिया। मुरली तो बहुत खुश थे, इंतजार में थे कि पूरा गांव हर्षोल्लास से कंधे पर उठा लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मुरली और उनके परिवार को डराया धमकाया गया, जान से मारने की धमकी मिलने लगी। मुरली ने उस कुश्ती से 12 रुपए जीते। उन रुपए को मुट्ठी में भींचा और घर से भागकर एक मालगाड़ी में चढ़ गए। आगे ये बच्चा आर्मी में गया, देश के लिए जंग लड़ी, बॉक्सिंग की, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बना। मुरलीकांत पेटकर की कहानी पर कबीर खान ने एक मूवी बनाई, नाम है चंदू चैंपियन। मूवी में कार्तिक आर्यन उनका रोल कर रहे हैं। हाल ही में मूवी का पहला पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जहां लंगोट बांधे कार्तिक दौड़ लगा रहे। चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में आई। घर से भागने के बाद मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से ही खेल कूद में रुचि थी, अब उस जुनून को एक कदम ऊपर ले जाने का वक्त था। आर्मी के दौरान उन्होंने बॉक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। इस हुनर की धार चेक करने का मौका मिला साल 1964 में। टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट हुई। मुरली ने वहां मेडल अपने नाम किया। अपना नाम रोशन करने के बाद सिकंदराबाद के अपने बेस पर लौटे। उनके सीनियर्स के दूसरे ही प्लान चल रहे थे। इनाम के तौर पर मुरलीकांत को कुछ दिनों के लिए जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। मुरली आर्मी कैंप में ठहरे। डेली का एक ही रूटीन सेट था, दोपहर के खाने के बाद हल्की झपकी दी जाती, कोई सादी आवाज देकर शाम की चाय के लिए उठाता। साल 1965 की बात है, मुरली तब सियालकोट में थी। सितंबर का महीना था, पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करना स्टार्ट कर दिया था। उसी महीने की दोपहर एक ऐसा हमला हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें 9 गोलियां लगी, उन्हें जांग, गाल और खोपड़ी में गोलियां लगी। एक गोली आज भी उनकी रीढ़ में धसी हुई है। कैंप में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में एक आर्मी जीप उन्हें रौंदती हुई निकल गई। उस घटना को पेटकर याद करते हैं और कहते हैं, मुझे इतना याद आता है कि हम लंच के बाद आराम कर रहे थे, तभी अचानक से मेजर हवलदार दौड़ते हुए आए। हम में से कई लोग आधी नींद में थे, हमें लगा कि चाय के लिए बुलाया जा रहा है। मुरलीकांत को फौरन INHS अश्विन में भर्ती किया गया। ये नेवी हॉस्पिटल है। हमले की वजह से उनके कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि उनकी याददाश्त भी चली गई थी। जिस तरह उनकी याददाश्त वापस आई, उसे आगे चलकर मूवी वालों ने खूब भुनाया। पढ़ने को मिलता है कि एक दिन वो अपने हॉस्पिटल बेड से गिर गए थे। उस चोट के चलते उनकी याददाश्त लौट आई। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं।
लोग मान चुके थे कि मुरलीकांत अब सामान्य जीवन नहीं जी सकेंगे। हालांकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, अपनी रिकवरी पर काम करना स्टार्ट कर दिया। उनके जज्बे से प्रेरित होकर डॉक्टर्स ने भी उनकी पूरी मदद की, उन्हें स्विमिंग सिखाई गई। मुरलीकांत ने शरीर को तोड़ा, पसीना बहाया और 2 साल के अंदर वो बहुत ही बेहतर हो गए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुरलीकांत ने खेल की ओर फिर से बाहें खोल दी। साल 1967 में वो शॉट पुट, रोलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों में वो महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन बने। साल 1969 में वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे। 70s के शुरुआती सालों में टाटा ग्रुप ने उन फौजियों की मदद करने का फैसला लिया जो जंग की वजह से विकलांग हो गए। मुरली स्वाभिमानी आदमी थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी शारीरिक स्थिति देखकर उन्हें दया का पात्र समझे। इसलिए जब टाटा वाले उनके पास पहुंचे और मदद का हाथ बढ़ाया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर सच में मदद करनी है तो काम दीजिए। उनका जवाब सुनकर वो लोग खुश थे, बढ़ाया हुआ हाथ मिलाया और टेल्को में नौकरी ऑफर दी। मुरलीकांत ने वहां 30 साल तक काम किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाती थी, उसके जरिए वो विकलांग लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती थी। मुरलीकांत की कहानी विजय तक पहुंची। साल 1972 में जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना था। विजय की संस्था ने मुरली की ट्रेनिंग से लेकर उनके टिकट तक का पूरा खर्चा खुद उठाया। मुरली स्विमिंग कैटेगरी में कॉम्पीट करने वाले थे। उसे 2 साल पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पैरालंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया था। वहां 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता, जावलिन थ्रो में सिल्वर और शॉटपुट में कांस्य पदक अपने नाम किया। साल 1972 में पैरालंपिक खेल में उन्होंने स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ये शाम उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से याद नहीं रखे जाने वाली थी। स्विमिंग का फाइनल होने जा रहा था। मुरली चाहते थे कि उन्हें बीच की लेन मिले। उनकी मुराद पूरी हुई, वो तीसरी लेन में पोजीशन लेकर तैयार थे। उस शाम पानी में ऐसा तूफान उठाया कि भारत को उसका पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया। 37.33 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ वो विजय हुए थे। शहर में मौजूद भारतीयों को जब मुरली के इस कारनामे का पता चला तो वो खुशी से झूम उठे। गिफ्ट का ढेरा लग गया था, पैसे दिए, यहाँ तक कि लेटेस्ट व्हीलचेयर खरीद कर गिफ्ट पर डाली। मुरलीकांत कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। मुरलीकांत पेटकर ने दुनिया भर में भारत का नाम सिर्फ रोशन ही किया, लेकिन लंबे वक्त तक उनके दिल में एक मलाल रहा जो प्यार और सम्मान पूरी दुनिया लुटा रही थी उसके लिए अपने देश में ही तरसना पड़ रहा था। अर्जुन अवार्ड खेल की कैटेगरी में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1982 में मुरलीकांत पेटकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि वो अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। उनकी बात को खारिज कर दिया गया। मुरली को ठेस पहुंची। वो बताते हैं कि उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। इस बेरुखी के बाद उन्होंने अपने सारे मेडल सर्टिफिकेट जमा किए, उनका गटर बनाया और एक कोने में रख दिया। खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। मुरलीकांत हमेशा से जिस सम्मान के हकदार थे वो उनके पास 2018 में पहुंचा। 25 जनवरी 2018 को उन्हें एक फोन आया, दूसरी ओर से सूचित किया गया कि आपको इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुरली को ये पता नहीं चल पाया कि उनका नाम इस सम्मान के लिए किसने नॉमिनेट किया। वो मानते हैं कि इस सम्मान से बाकी पैरा एथलीट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। अब कबीर खान और उनकी टीम मुरलीकांत पेटकर की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाए। जहां एक तरफ थिएटर्स इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिन रहे हैं, वहीं फैंस इसे कार्तिक आर्यन की वो मूवी मानकर चल रहे हैं जो उनके करियर को लंबी उछाल दे सकती है। इसी बीच मूवी के बारे में ट्रेड एक्सपर्ट्स की राय भी आनी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि मूवी यानी इस बायोपिक मूवी के बारे में ऑडियंस का क्या कहना है। मूवी के बारे में ट्रेड एक्सपर्ट रोहित जायसवाल ने कहा, ये मूवी 2024 की लंगड़ाती से शुरुआत को एक नई जान देगी। चंदू चैंपियन को लेकर बज हमेशा से ही बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मूवी के पोस्टर के रिलीज के बाद ये बज और कई गुना बढ़ गया। इस मूवी के ट्रेलर को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट लेवल वैसा है जैसा किसी
मूवी को लेकर शायद ही ऑडियंस में देखने को मिला है। जहां रोहित की अप्रोच मूवी को लेकर पॉजिटिव है, वहीं ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने इसके बारे में कहा, हमें ये देखना होगा कि पब्लिक मूवी के ट्रेलर पर कैसा रिस्पॉन्स देती है। कार्तिक आर्यन एक अभिनेता के तौर पर बहुत सधे हुए कदम ले रहे हैं। आज के वक्त में कलाकारों को टाइपकास्ट होकर कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने मूवी फ्रेडी अपना बिल्कुल अलग अवतार पेश किया था और साल 2024 में वो दर्शकों को भूल भुलैया 3 के जरिए एंटरटेन करने के लिए भी रेडी हैं। अतुल मोहन ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो हर तरह के किरदार को करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक चंदू चैंपियन के ट्रेलर की बात रही तो ये बहुत ही हद तक डिसाइड कर देगा कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मूवी पहले दिन कितना कमाई की या ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ, ट्रेलर की रिलीज और एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के साथ साथ ऑडियंस को इस मामले में भी क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखना होगा कि कार्तिक आर्यन की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। चंदू चैंपियन को लेकर न सिर्फ फैंस बल्कि एग्जिबिटर्स के बीच भी काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। दरअसल एग्जिबिटर्स मूवी के 8 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सिनेमा घर जैसे ओडिशा में एनजे सिनेमा उमरकोट, बिहार के गया में अप्र सिनेमा, झारखंड के कोडरमा में एलेक्स सिनेमा, बिहार के सुपौल में चंद्रा सिनेमा, बिहार में मुक्ता सिनेप्लेक्स, दल सिंह सराय और जो भी लंबे समय से बंद थे वो अब इस मूवी के साथ फिर से खुल रहे हैं। इस लिस्ट में बायोस्कोप आसनसोल, सिनेकॉस्मो आसनसोल, पश्चिम बंगाल में SVF कल्याणी भी शामिल है। ऐसे में साफ है कि चंदू चैंपियन कुछ एग्जिबिटर्स के लिए अच्छे दिन भी वापस ला रही है। चंदू चैंपियन का ट्रेलर 1967 में खुलता है। एक शख्स उधमपुर के आर्मी हॉस्पिटल में लेटा है, घायल है। बताया जाता है कि 2 साल से कोमा में है। 1965 की जंग में उसे 9 गोलियां लगी थी। उसके बाद उस वॉर के सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें स्टालोन की रामबो की तर्ज पर वो किसी गैर यकीनी या फिल्मी हीरो की तरह लंबी सी मशीन गन लेकर आसमान में दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर फायर करता जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस किरदार के बचपन में। एक महाराष्ट्रीय ग्रामीण परिवेश में वो कुश्ती में चैंपियन बनने की हसरत पाले है, लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि ये अदना सा लड़का ऐसा कर लेगा। गांव के बच्चे और लोग उस पर हंसते हैं और चंदू चैंपियन बोलकर उसे खूब चढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी दिखलाती है कि इस बच्चे के साथ होता क्या है, क्या वो चैंपियन बन जाता है और क्या। इस कहानी की खास बात यही है कि आगे बहुत कुछ होता है, इतना कुछ जो हमने इंदिरा दी टाइगर जैसी फिल्मों में ही देखा है। खूब सारा फ्लैशबैक और खूब सारे उतार चढ़ाव या फिर ब्लैक की माफिक लीड कैरेक्टर के सामने आती बेपनाह चुनौतियां जिन्हें देखते देखते ऑडियंस की सांसें फूलने लगे। ये जो इतना कुछ है, इसी ने डायरेक्टर कबीर खान को ये प्रोजेक्ट लेने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि कबीर इससे पहले बजरंगी भाईजान और 83 जैसी सफल फिल्में बना चुके हैं, तो इस अगले प्रोजेक्ट की स्टोरी भी उन्हें बाध्य करने वाली ही रही होगी। चंदू चैंपियन का ट्रेलर 3 मिनट 15 सेकंड का है। ये एक असल प्रेरक व्यक्ति एक पैरालंपिक की कहानी है। इसे देखते हुए ट्रेलर रियलिज्म और मेथड से परे है, कमर्शियल स्पेस में रचा बसा लगता है, माने उसे मनोरंजक और मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। हर कमर्शियल और बड़ी बायोपिक, बड़ी स्पोर्ट्स मूवी, बड़ी आर्म्ड फोर्सेस पर बेस्ड मूवी में जो ट्रॉप या तय चीजें आप देखते ही देखते हैं वो यहाँ भी है। फ्रेम भी वैसे ही है। ये ऑथेंटिक होने से ज्यादा विशाल आकार के हैं जो बुनियादी ऑडियंस को मजा दे सकते हैं। मूवी अपने सिनेमेटोग्राफी में, प्रोडक्शन डिजाइन में, डायलॉग्स में, कलर पैलेट में कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश नहीं करती। कुछ छोटी छोटी चूके भी दिखती हैं, जैसे चंदू के पात्र को लेकर जिसे कार्तिक आर्यन ने प्ले किया है। पूरे ट्रेलर में कई जगहों पर आप देखकर बता सकते हैं कि कहां कहां बाल और दाढ़ी नकली है जिससे पार पाया जा सकता था। ट्रेलर का हाई पॉइंट कार्तिक का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इम्प्रेस करता है क्योंकि वहां भरोसा करते हो कि ये कोई कहानी नहीं, कुछ रियल में हो रहा है। उसकी दे एक बॉक्सर की दे बन रही है। उनके भागने, दौड़ने, एक्शन वाले सारे सीन्स ध्यान खींचते हैं। कार्तिक के अभिनय को ले तो उसमें कहीं कहीं वे प्रयास करते दिखते हैं,
लेकिन कुल मिलाकर कुछ उल्लेखनीय नहीं मिलता। विजयराज जो शायद चंदू के कोच बनते हैं, उनके साथ एक सीन है जिसमें चंदू एक स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेने विदेश जा रहा है और फ्लाइट से डर रहा है। इसमें विजयराज उसे लताड़ते हैं, फिर प्लेन टेक ऑफ करता है तो चंदू मुंह फाड़ कर चीखता है। ये खूब हंसाने वाला सीन होने वाला है, लेकिन हंसी नहीं आती। ट्रेलर में राजपाल भी हैं, लेकिन उनके छोड़ से भी कोई कॉमेडी नहीं देखने को मिलती। सत्य प्रेम की कथा और भूल भुलैया 2 के कार्तिक से इस मूवी का कार्तिक खास अलग नहीं लगता। इसके लिए कुछ उनके पुराने एक्सप्रेशन और डायलॉग्स डिलीवरी जिम्मेदार हैं, कुछ डायरेक्शन का दोष। जब कुछ भी काम ना करे तो एक मैसेज हो जो काम कर जाए, इसी आस में मेकर से एक कोज या सरोकार भी मूवी में डाल देते हैं। वो है कि कोई भी इंसान या कमजोर से कमजोर इंसान अपना सपना पूरा कर सकता है। ट्रेलर के एंड में एक लाइन है जहां कार्तिक इमोशनल होकर शायद शराब पीकर कहते हैं, मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। ये मूवी जिन मशहूर हस्ती की बायोपिक है वो है मुरलीकांत पेटकर, सांगली महाराष्ट्र की आने वाले पेटकर भारतीय सेना में थे, 1965 के युद्ध में कई गोलियां खाई, कोमा में रहे, फिर होश में आए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक हाथ से डिसेबल हो जाने के चलते वो बॉक्सिंग का अपना खेल जारी नहीं कर सके, तो हार कर नहीं बैठे, दूसरे गेम्स खेलने लगे, स्विमिंग, टेबल टेनिस वगैरह। बाद में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जर्मनी में 1972 में हुए समर पैरालंपिक्स में स्विमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। कार्तिक आर्यन के इस मूवी का ना ऑडियंस को तो बेसब्री से इंतजार है, मूवी का इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार खत्म भी हो गया। इसके रिलीज से पहले ना मूवी की कास्ट की फीस को लेकर भी जानकारी सामने आ गई थी। आपको बताते हैं कि कार्तिक आर्यन सहित अन्य सेलेब्स ने चंदू चैंपियन के लिए कितने पैसे चार्ज किए हैं। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन ने इस मूवी के लिए खूब मेहनत की है, वे जमकर इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कार्तिक की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ भर कमाई करेगी। वहीं इसके लिए कार्तिक को भी तगड़ी फीस मिली है। बॉलीवुड लाइफ के सूत्र के मुताबिक एक्टर ने चंदू चैंपियन के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ली है। राजपाल यादव मूवी में मशहूर एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं। राजपाल यादव ने भी चंदू चैंपियन के लिए करोड़ों रुपए चार्ज किए हैं। एक्टर को चंदू चैंपियन के लिए 2 करोड़ फीस मिली है। विजयराज, दमदार एक्टर विजयराज भी कार्तिक आर्यन की इस मूवी का अहम हिस्सा है। बॉलीवुड लाइफ के सूत्र की माने तो विजयराज को इस मूवी के लिए मेकर्स ने 70 लाख रुपए की फीस दी है। अन्य सितारों को मिली इतनी फीस चंदू चैंपियन में भुवन अरोड़ा और पलक लालवानी ने भी काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सितारों को 20 से 30 लाख रुपए की फीस मिली है। कितना है चंदू चैंपियन का बजट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब आपको बता देते हैं कि स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी के बजट के बारे में। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट लगभग 140 करोड़ रुपए है। इसे साजिद नारियालवाला ने प्रोड्यूस किया है। मूवी का ट्रेलर कार्तिक के होम टाउन ग्वालियर में लॉन्च किया गया था। हाल ही में प्रमोशन के सिलसिले में कबीर और कार्तिक आर्यन दी ललन टॉप के न्यूज रूम में पहुंचे थे। बातचीत में सौरभ द्विवेदी ने इस लॉन्च के बारे में पूछ डाला। उन्होंने पूछा कि वहां कैसा माहौल था। इस पर कबीर ने बताया कि मुंबई में भीड़ को पैसे देकर बुलाने का कल्चर रहा है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका कहना था, मैं वही कह रहा था कि जब हम लोग कभी मुंबई में ट्रेलर लॉन्च करते हैं तब भीड़ तो चाहिए होती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो आधे लोग भाड़े के होते हैं। वो आते हैं और हम उनको बोल देते हैं कि ये चिल्ला देना, वो चिल्ला देना, और वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कैमरा में कैप्चर हो जाता है। लेकिन जब हम ग्वालियर में गए, वहां इतने सारे लड़के आए, सोचिए आपकी आप, तब धोनी का फाइनल आईपीएल मैच चल रहा था। मैंने सोचा कि भाई कौन आएगा, सारे लौंडे आके और वहां से कार्तिक भैया चिल्लाने लगे। वो जो मजा था वो बॉम्बे में नहीं मिलता। अपने शहर में अभिनेता का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अभिनेता के गले में माला और हाथों में गुलदस्ता है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान अभिनेता के पिता भी उनके साथ नजर आए। इसके अलावा चंदू चैंपियन के निर्देशक कबीर खान भी कार्तिक के साथ ग्वालियर पहुंचे।
कार्तिक आर्यन का स्वागत करने बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट भी आए। वहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। अभिनेता के शहर की सड़कें भीड़ से भरी नजर आई और हर कोई कार्तिक की एक झलक पाने को बेताब दिखा। कार्तिक आर्यन ने मूवी चंदू चैंपियन के लिए गजब का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक के बाद एक सामने आए मूवी के कई पोस्टर्स में अभिनेता की मेहनत देखकर फैंस तो बहुत ही हैरान है। निर्देशक कबीर खान ने खुलासा किया कि मूवी के लिए कार्तिक ने बिना स्टेरॉयड के शरीर का करीब 32% फैट कम किया। उन्होंने कहा, चंदू चैंपियन की कहानी बेशक प्रेरित करने वाली है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए कार्तिक आर्यन ने जो मेहनत की है वो भी कम प्रेरक नहीं है। एक पोस्टर में कबीर खान ने कार्तिक की तारीफ करते हुए लिखा, जब मैं कार्तिक से मिला तो एक रोल के लिए उन्होंने वजन बढ़ाया हुआ था। उनका बॉडी फैट करीब 39% ज्यादा था। मैंने उनसे कहा उन्हें एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का रोल अदा करना है। फिर मुस्कुराए और कहा, मैं इसे कर लूंगा सर। फिर करीब 1.5 साल बाद उन्होंने बिना स्टेरॉयड के इस्तेमाल के ये चमत्कार दिखाया और वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था। मूवी के प्रति कार्तिक आर्यन की इस मेहनत को देख उनकी जमकर तारीफ हो रही है। कबीर से आगे पूछा गया कि क्या हमेशा से कार्तिक मूवी के लिए पहली पसंद थे और उनकी कास्टिंग कैसे हुई। कबीर ने इस बारे में बताया, मैं कभी भी एक्टर की पिछली फिल्मों को देखकर कास्टिंग नहीं करता हूँ। अगर वो होता तो सलमान बजरंगी ना होता, अब तक मैं टाइगर 6 बना चुका होता या जॉन अब्राहम न्यूयॉर्क में नहीं होते। मैं जब कार्तिक से मिला तब मैंने सोचा कि आधे घंटे की मीटिंग होगी, खा पी कर निकल लेंगे। वो मीटिंग 2 घंटे की हुई, मुझे नींद आने लगी। ये कार्तिक आर्यन तो सोता नहीं था उस जमाने में। जो युवा उत्सुकता मुझे मुरलीकांत पेटकर के कैरेक्टर में चाहिए थी ना, वो मुझे कार्तिक आर्यन में उसी वक्त दिखी थी। मुझे वो चीज बहुत ही अच्छी लगी। भूल भुलैया 2 को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके थे, वो ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं, किसी एक्टर से अगर आप ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद मिलो तो भाई 1 घंटा पहले उनकी पिक्चर पर बात करो, उनकी सुनो और फिर आगे बढ़ो। 2 घंटे में कार्तिक ने 1 सेकंड भी भूल भुलैया 2 पर बात नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक कबीर खान और साजिद नाडियाडवाला को लगता है कि इस मूवी का ये टाइटल मूवी के लिए परफेक्ट है। मूवी के कैरेक्टर की जर्नी के साथ ये टाइटल बिल्कुल फिट बैठेगा। इससे पहले कबीर खान ने साल 2015 में सलमान खान की बजरंगी भाईजान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही चाहते हैं कि मूवी के टाइटल को लेकर लोग चर्चा करें, इसलिए भी इसका नाम चंदू चैंपियन रखा गया। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि वैसे तो ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, मगर इसमें काफी हैवी VFX भी देखने को मिलेगा। कबीर इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन को ज्यादा समय देना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। साजिद और कबीर दोनों का मानना है कि ये मूवी उनके और कार्तिक आर्यन के करियर को एक अलग ही मुकाम तक ले जाएगी। चंदू नहीं चैंपियन है मैं। जब आप कार्तिक आर्यन को ये कहते सुनेंगे तो जाहिर तौर पर कहेंगे कि उनकी बातों में मुरलीकांत पेटकर का जज्बा दिख रहा है। कार्तिक आर्यन की आंखों में भी वही जोश देखने को मिल रहा है जो मुरलीकांत पेटकर की आंखों में उस वक्त रहा होगा जब उन्होंने भारत के लिए पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस स्पोर्ट्स बायोपिक के माध्यम से कार्तिक और कबीर ने मुरलीकांत पेटकर के जीवन की एक दिल छू लेने वाली कहानी, उनके स्ट्रगल और उनके करियर में हासिल किए गए मील के पत्थर को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से पेश किया है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स द्वारा निर्मित ये मूवी आपको 1970 के दशक में ले जाती है, जब पेटकर पैरालंपिक चैंपियन बनने के लिए सभी बाधाओं को, सभी चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। कहानी शुरू होती है 1965 की जंग से, जहां मुरलीकांत पेटकर को गोलियों से भून दिया जाता है। अगले ही सीन में कहानी 40 साल आगे बढ़ जाती है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति थाने में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज करने आता है। ये शख्स मुरलीकांत पेटकर है। कौन है मुरलीकांत, क्या करता है, क्यों मुकदमा दायर कर रहा है, इन सवालों के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। युवा और तारों भरी आंखों वाले मुरलीकांत पेटकर उस पहलवान को देखकर तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिसने हाल ही में कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। वो उसे अपनी प्रेरणा मान लेते हैं।
जब उनकी महत्वाकांक्षाओं और सपनों का मजाक उड़ाया जाता है तो वो क्रोधित होते हैं और अपने साथियों और गांव वालों के लिए हंसी का पात्र बन जाते हैं। कहानी के इस हिस्से को स्थापित करने के लिए कई मनमोहक और मनोरंजक सीन्स और गाने भी हैं, जो मुरलीकांत के कठिन लम्हों के साथ भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। इस पूरी पृष्ठभूमि में निर्देशक कबीर खान ने गानों का बेजोड़ इस्तेमाल किया है। हर मोड़ पर एक नया गाना है, लेकिन वो कहानी का ही हिस्सा लगता है, या यूं कहें कि वो गाने खास तौर पर फिल्माए गए सीन्स के लिए ही हैं। मुरलीकांत पेटकर का शुरुआती जीवन स्ट्रगल्स आपको भाग मिखा भाग की कहानी याद दिलाएगा। अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां परिवार के बीच भी मुरलीकांत बिल्कुल अकेला है, लेकिन यही अकेला चना ही भाड़ फोरे गौर भारत को गौरवशाली पल देता मूवी में नजर आएगा। मूवी का नाम भी तब उजागर होता है जब पहली बार मुरलीकांत पेटकर को अखाड़े में जीत हासिल होती है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां बच्चा बड़ा होकर फौज में भर्ती होता है। उसकी आंखों में ओलंपिक गोल्ड जीतने का सपना होता है। मंजिल के करीब आकर वो चूकता है। 9 गोलियों से भुन उठने के बाद भी वो आगे बढ़ता है। आत्महत्या की कोशिश के बाद भी वो बच जाता है। अपने इकलौते दोस्त को खो देने के बाद भी वो खुद को संभालता है और जिस्म में एक गोली के साथ वो पैरालंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल हासिल करके आता है। सपना पूरा होने के बाद भी वो नहीं रुकता। वो बार बार गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है और चैंपियन कहलाता है। कुछ ऐसी ही है चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर की कहानी, जिसे बखूबी दिखाने में कार्तिक आर्यन सफल रहे हैं। एक बार फिर कार्तिक आर्यन जटिल किरदार को निभाने में अव्वल आए हैं। मुरलीकांत पेटकर के किरदार को निभाते हुए उनकी एक्साइटमेंट और ईमानदारी साफ दिखाई दे रही है। कार्तिक आर्यन को संजीदा रोल में सोचना थोड़ा मुश्किल लगता रहा है, लेकिन अब वो इस दीवार को लांघ चुके हैं। पिछली कई फिल्मों की तुलना में इस बार उनकी एक्टिंग में बारीकी आई है। उन्होंने हर इमोशन को सही पकड़ा है। कार्तिक का किरदार भोलेपन से शुरू होता है, जो गहराई की खोज तक जाता है। एक पैरा एथलीट की भाव भंगीमा और चाल ढाल को भी वो पर्दे पर अच्छे से दिखा पा रहे हैं। कुल मिलाकर उनका मूवी सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट रहा है। मूवी में कोई लीड हीरोइन नहीं है और उसकी कमी जरा भी नहीं खलती। हमेशा अट्रैक्टिव रहने वाले विजय राज, जिन्होंने सूरमा और शाबाश मिठू जैसे किरदार निभाकर लीड हीरो से ज्यादा लाइमलाइट चुराई है, वो इस बार भी ऐसा करने में पूरी तरह सक्सेसफुल रहे हैं। अपने डायलॉग से वो किसी की भी रगों में जोश भर सकते हैं। टाइगर अली के किरदार में वो एक बार फिर दिल जीत रहे हैं। विजय राज गंभीर रहते हुए भी आपको हंसाएंगे भी और इमोशनल भी करेंगे। वैसे भी संजीदा रहते हुए कमाल की कॉमिक टाइमिंग दिखाना उनका तो स्टाइल ही है बॉस। ये मूवी एक पुलिस स्टेशन में अति उत्साही श्रेयस तलपड़े और बिजेंद्र काला के सामने फ्लैशबैक में जाती है। दोनों ही किरदारों का रोल थोड़ा छोटा है, लेकिन इनकी एक्टिंग अव्वल दर्जे की है। मराठी स्टाइल वाले पुलिस वाले को श्रेयस तलपड़े मक्खन की तरह पर्दे पर उतारते दिख रहे हैं। अब आते हैं राजपाल यादव पर, जिन्हें कॉमेडी किंग कहना हरगिज गलत नहीं होगा। कॉमेडी का तड़का उन्होंने एकदम सही और सटीक जगह मारा है। टॉपीज का किरदार छोटा जरूर है, लेकिन वो आपके साथ सिनेमा घरों से बाहर आएगा और जहन में बसा रह जाएगा। मुरलीकांत पेटकर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाले कर्नल सिंह को तो भूल ही नहीं सकते। भुवन अरोड़ा एक सच्चे साथी के रोल में दिल जीत लेते हैं, लेकिन उनकी मौत आपको उतना ही अखरेगी जितना मुरलीकांत के दिल को चीर गई। भाई के रोल में नजर आए अनिरुद्ध दवे बेमिसाल हैं। छोटे मुरलीकांत पेटकर के किरदार में हिमांशु जयकर जुनूनी है। मूवी की शुरुआत में ही मेघा सिंह का जिक्र है और ये महान एथलीट की बायोपिक भाग में घमा की हल्की फुल्की झलक भी पेश करती है। गाना सत्यानाश हवन करेंगे की पूरी याद दिलाता है। 2 घंटे 30 मिनट की ये मूवी शानदार निर्देशन के चलते ही बांधे रखती है। निर्देशन में इस बार कबीर खान को फुल मार्क्स मिल रहे हैं। बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर जैसी कमर्शियल फिल्में बनाने वाले निर्देशक ने अपनी पहली बायोपिक इनिंग में ही शतक जड़ दिया है। मूवी का स्क्रीन प्ले एक असल जिंदगी को कहानी के रूप में चरितार्थ कर रहा है। हर किरदार को परफेक्ट स्क्रीन टाइम दिया गया है। कोई भी सीन बोझल नहीं करता। हर पल आपकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी और आप सोचेंगे कि आगे क्या होगा।
मूवी में रोमांच है और एक पल के लिए भी कुर्सी छोड़ने का तो दिल ही नहीं होगा। इस बार कबीर खान ने जाहिर कर दिया है कि उनके टाइपकास्ट नहीं किया जाता। कैमरा वर्क और एडिटिंग पर अच्छा काम किया गया है। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग मूवी देखने के मजे को दोगुना करेगी। एक सिंगल टेक सीन में एक बच्चा बड़ा होकर व्यस्क और मूवी का हीरो बन जाता है। ये एक सिनेमाई शॉट है जिसे हाल ही के दिनों में नहीं देखा गया। इसके अलावा भी मूवी में एक ऐसा शॉट दिखाया गया जहां शुरुआत ठीक सूरज के सामने से विमान गुजरने से होती है और अंत उस सूरज के जापान के झंडे के गोले बनने पर खत्म होता है। कई लॉन्ग शॉट और सिनेमेटिक कट शॉट्स मूवी को डेप्थ दे रहे हैं। चंदू चैंपियन के गानों में नयापन है जो जीत, इमोशंस और एक्साइटमेंट का मिश्रण पेश करता है। सत्यानाश, तू है चैंपियन और सरफिरा तीनों ही गानों में अलग अलग इमोशंस है, म्यूजिक है और लिरिक्स का चयन मूवी के फील के साथ जाता है। चंदू चैंपियन एक मस्ट वॉच मूवी है। बायोपिक होते हुए भी ये एक एंटरटेनिंग का फुल डोज है। कार्तिक आर्यन कभी ना देखे गए अंदाज में है। ऐसे में सिनेमा घरों में इस मूवी को देखने का अलग ही मजा होने वाला है। हर शुक्रवार को फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती हैं और इस फ्राइडे यानी 14 जून को थिएटर्स में चंदू चैंपियन रिलीज हुई। कार्तिक आर्यन के करियर की बेहतरीन मूवी चंदू चैंपियन के पहले दिन सारे शो मात्र 150 रुपीज में आप देख सकते हो। इसकी जानकारी खुद कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए दी है। मूवी चंदू चैंपियन एक कमाल की मूवी होने वाली है और मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके इसलिए मेकर्स ने पहले दिन का शो बहुत ही सस्ता रखा है। मूवी का पोस्टर शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने फैंस को मूवी की टिकट को लेकर जानकारी दी है। इसमें लिखा है, इतने साल की हमारी मेहनत कल आपके सामने, देखिए भारत के चैंपियन की कहानी। अपनी टिकट मात्र 150 रुपए में बुक करें सिर्फ इस फ्राइडे। वन डे टू चंदू चैंपियन। मूवी चंदू चैंपियन एक शानदार और प्रेरणादायक मूवी है जिसमें कार्तिक आर्यन की मेहनत का अंदाजा आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लगा सकते हैं। पहले दिन के सभी शो 150 रुपए में दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को थिएटर तक पहुंचाना है। अभिनेता से ये गिफ्ट मिलने पर एक तरफ कुछ ऑडियंस खुशी से झूम उठे हैं तो और कार्तिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स हैरानी जता रहे हैं। साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि टिकट की कीमत इतनी कम क्यों रखी गई है। कुछ यूजर्स ये ऐलान करते दिख रहे हैं कि ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। कुल मिलाकर पोस्ट पर लोगों की बहुत ही एक्साइटमेंट प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मूवी चंदू चैंपियन मात्र एक मूवी नहीं बल्कि एक मानवीय भावना है, देशभक्ति है और अपनी मेहनत तब तक ना रोको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए ऐसी बातों को दिखाती है। मूवी चंदू चैंपियन का निर्माण ग्रैंडसन नारियादवाला कंपनी के तहत हुआ है जिस कंपनी ने हाउसफुल फ्रेंचाइजी, बागी सीरीज और किक ट्रेसी कई शानदार फिल्में बनाई हैं। इस कंपनी की ज्यादातर फिल्में अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि सबके मन में एक सवाल जरूर है कि आखिर कबीर ने ये फिल्म क्यों बनाई और इसके लिए कार्तिक को क्यों चुना। कबीर ने क्यों चुनी मुरलीकांत की कहानी। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कबीर ने चंदू चैंपियन के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने मुरलीकांत की कहानी को सबके सामने लाने का डिसीजन इसलिए किया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमेशा इस मलाल और गिल्ट में रह जाते। वो बोले, कभी कभी हम कहानियां नहीं चुनते, कहानियां हमें चुनती है। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि ये मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये कहानी इस देश को बताई जानी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा नायक है जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। साथ ही इस मूवी का नाम चंदू चैंपियन ही इसलिए रखा गया क्योंकि कबीर खान और साजिद नारियादवाला को लगता है कि इस मूवी का ये टाइटल मूवी के लिए परफेक्ट है। मूवी के कैरेक्टर की जर्नी के साथ ये टाइटल बिल्कुल फिट बैठेगा। इससे पहले कबीर खान ने साल 2015 में सलमान खान की बजरंगी भाईजान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही चाहते हैं कि मूवी के टाइटल को लेकर लोग चर्चा करें, इसलिए भी इसका नाम चंदू चैंपियन रखा गया। कबीर ने आगे कहा, चंदू चैंपियन ऐसे व्यक्ति की अद्भुत कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप बहुत ही इंस्पायर फील करते हो। मुझे लगा कि ये कहानी इस देश को बताई जानी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा नायक है जिसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं,
जब आप मूवी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने क्या हासिल किया और उसने ये कैसे हासिल किया। जब कबीर से पूछा गया कि हल्के फुल्के किरदार निभाने के लिए मशहूर कार्तिक को उन्होंने ऐसा किरदार निभाने के लिए क्यों चुना, तो निर्देशक ने कहा कि वो कभी किसी कलाकार की छवि अनुसार उसे नहीं चुनते। उन्होंने कहा अगर वो छवि के अनुसार चलते तो वो सलमान खान को बजरंगी भाईजान के लिए भी कभी नहीं चुनते, जॉन अब्राहम और कैटरीना कैफ न्यूयॉर्क में नहीं होते। निर्देशक के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति में छिपे कलाकार को देखते। कबीर बोले, मैं कार्तिक में वो बचकाना उत्साह देखा, उसकी मुरली कांत के किरदार को जरूरत थी। मैंने कार्तिक में छिपी कुछ नई कर दिखाने की भूख भी देखी। उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। वो अपने बालों के लिए इतने मशहूर थे, लेकिन उन्हें वो कटवाने पड़े और खुद को एक अलग तरह से पेश भी किया। कभी कभी जब आप किसी एक्टर में वो उत्साह देखते हैं तो वो आधी जंग जीत लेने जैसा ही होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के कई मुश्किल दौर से भी गुजरे हैं। वायरल हो रहे वीडियो से जाहिर है कि मूवी मुरलीकांत को कितनी पसंद आई है। अपनी जिंदगी और कार्तिक की एक्टिंग को पर्दे पर देख वो इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कार्तिक उनके साथ बैठे दिखे, उन्हें भी मूवी के दौरान इमोशनल होते हुए देखा गया। वीडियो को खुद कार्तिक आर्यन ने भी शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, चंदू चैंपियन की पहली स्क्रीनिंग खुद उस शख्स के साथ, सम्मान खुशी और आंसुओं से भरी एक शाम असली चैंपियन के साथ, वो इंसान जिसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, श्री मुरलीकांत पेटकर। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुरलीकांत पेटकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध ही हो गए थे, फिर कार्तिक के सपोर्ट से वो खड़े हुए और एक्टर को गले लगाया। इसके बाद उन्होंने थिएटर में जय जय के नारे भी लगवाए। मूवी खत्म होने के बाद रियल लाइफ चैंपियन मुरलीकांत को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। कार्तिक के इस अचीवमेंट पर फैंस भी खुश हो रहे हैं। हर कोई उन्हें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बधाई देता नजर आया। मूवी में कार्तिक के साथ भुवन अरोरा, यशपाल शर्मा, राजपाल यादव, अनिरुद्ध दवे और विजय राज भी हैं। माना जा रहा है कि कबीर खान द्वारा डायरेक्ट की गई ये मूवी दुनिया भर के ऑडियंस के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ने की तैयारी में है। जैसा कि मूवी चंदू चैंपियन में कहा गया है कि चैंपियन गिरता है लेकिन कभी रुकता नहीं, मुरलीकांत आज भी खिलाड़ियों के साथ सक्रिय हैं। 1972 में भारत को गोल्ड दिलाने वाले मुरलीकांत को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यूं तो ओलंपिक में निजी स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारत को 21 सदी का इंतजार करना पड़ा था, जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और 2021 में नीरज चोपड़ा ने दूसरा गोल्ड जीता। लेकिन तैराक मुरलीकांत पेटकर ने आज से 52 ईयर्स पहले ही भारत को पैरालंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल दिला दिया था। ये वो दौर था जब भारत में पैरालंपिक के बारे में शायद ही बात होती थी। शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए कोई खास सुविधाएं होती ही नहीं थी और तैराकी जैसे खेल में तो आज तक भारत ओलंपिक में कोई मेडल ही नहीं जीत पाया। 1 नवंबर 1944 के महाराष्ट्र में जन्मे मुरलीकांत पेटकर अब 82 ईयर्स के हो चुके हैं और महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं। एक बार की बात है जब एक सफाई कर्मचारी उनके पास भागा भागा आया। उसने पेटकर से मटका खेलने के लिए 10 रुपए मांगे। मटका जुए का एक तरीका है जिसमें लोग कम पैसे लगाकर बड़ा दाम कमाना चाहते हैं। पेटकर शराब के साथ नींद की 30 गोलियां खाने को तैयार थे। उन्होंने कर्मचारी को 10 के बजाय 100 रुपए दे दिए। जब सफाई कर्मचारी ने उनसे भी उसी नंबर पर जुआ खेलने के लिए कहा तो पेटकर ने उसे 100 का नोट और दिया और उस नंबर जो कर्मचारी को सपने में आया था उससे एक नंबर ज्यादा पर दाव लगाने को कहा। अगली सुबह पेटकर के लिए भी अजीब था। उनके शरीर से शराब और नी की गोलियां बाहर निकलने लगी थी, काफी उल्टियां भी हुई। इतना ही नहीं, 1965 के उस दिन के बाद जब उन्हें गोलियां लगी थी पहली बार पेटकर को पेशाब करने की इच्छा हुई। पेटकर को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने मटके में 40,000 रुपए जीते हैं, पेटकर का ब्लैडर भी काम करने लग गया था। अगर किस्मत यू कहानी नहीं लिखती तो शायद भारत को पैरालंपिक में उसका पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं। ये 1972 के पैरालंपिक की बात है। पेटकर ने वीडियो कॉल पर हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, किस्मत मेरे साथ क्रूर और दयालु दोनों ही रही। उन्होंने अपने लिविंग रूम में बीटिया से बात की। वो कमरा जो ट्रॉफी और मेडल से भरा हुआ म्यूजियम है।
पेटकर टोक्यो पैरालंपिक बड़े ध्यान से देख रहे हैं। पद्मश्री से सम्मानित ये तैराक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर अपनी कहानी सुना रहा है। पेटकर सेना के स्टार बॉक्सर थे। 1965 में जब वो कश्मीर गए तो उन्हें छोटू टाइगर कहा जाता था। कई लोगों ने सोचा कि पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के वक्त बजे लंबे सायरन के बाद वे कई लोग मारे गए होंगे जो शाम की ट्राई का इंतजार कर रहे थे। पेटकर के बेटे अर्जुन बताते हैं, एक गोली जब भी उनकी रीढ़ में यानी रीढ़ की हड्डी में है। अर्जुन आयुध फैक्ट्री में काम करते हैं और जिंदगी चलाने के लिए गोलियां ही बनाते हैं। पेटकर के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कुल 6 भाई बहन थे। वो महाराष्ट्र के जिस सांगली जिले से आते थे वो कुश्ती के लिए काफी मशहूर था। पेटकर याद करते हैं कि उनके गांव इस्लामपुर के स्थानीय अखाड़े में ठंडाई मिला करती थी। पेटकर स्थानीय पहलवान गणपत खेड़कर से कुश्ती के गुर सीख लेते थे और ठंडाई पीकर खुद को तरखते। इन्होंने याद किया, आमतौर पर इनाम में बताशे और नारियल होते थे, लेकिन ये मैच इतना बड़ा था कि इस पर गांव वालों ने कपड़े पर काफी सिक्के भी फेंके थे। पेटकर के कुश्ती जीतने के बाद चाकू निकल आए थे, क्योंकि कैंडरी के लोगों ने इसे अपने गांव की जानबूझ की गई बेइज्जती मान ली थी। खेड़कर माहौल को भांप गए थे। उन्होंने जीत की रकम पेटकर की जेब में डाली और उन्हें ट्रक में बिठाकर पुणे भेज दिया। एक सप्ताह बाद वो अपने अंकल के साथ ट्रेन में थे जो उन्हें बैंगलोर लेकर जा रहे थे। वहां उन्हें स्थानीय सेना भर्ती करवाने के लिए ही लेके आ गया था। आर्मी इंस्टीट्यूट में पेटकर ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही हॉकी में अच्छा नाम कमाया। पेटकर ने कहा, मुझे कर्नाटक टीम में नहीं चुना गया क्योंकि मैं एक मराठी लड़का था। इसके बाद उन्होंने हॉकी छोड़कर बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट कर दिया। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का बर्थ 22 नवंबर 1988 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर मनीष तिवारी बाल रोग स्पेशलिस्ट हैं और माँ डॉक्टर माला तिवारी स्त्री रोग स्पेशलिस्ट हैं। उनकी बहन कृतिका तिवारी भी डॉक्टर हैं। कार्तिक आर्यन बचपन से ही ना एक्टर बनना चाहते थे। कार्तिक आर्यन ने ग्वालियर के किड्जी स्कूल और सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की है। 11th के बाद ही वो अपने एक्टिंग करियर को लेकर बहुत ही सीरियस होने लगे थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्तिक आर्यन मुंबई चले गए थे। वहां नवी मुंबई में सिचुएटेड डीवाई पाटिल कॉलेज से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री हासिल की थी। निर्देशक लव रंजन ने कार्तिक आर्यन को फेसबुक पर स्पॉट किया था। साल 2011 में प्यार का पंचनामा में कास्ट होने के बाद कार्तिक आर्यन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को तीसरे साल में छोड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने फाइनल एग्जाम देकर अपनी डिग्री हासिल कर ली थी। उसके बाद साल 2015 में प्यार का पंचनामा का सीक्वल भी रिलीज किया गया था। दोनों फिल्मों में उनका मोनोलॉग काफी हिट भी हुआ था। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन एक सफल मॉडल भी रह चुके हैं। उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। कार्तिक ने बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। एक आउटसाइडर होने के नाते उनके पास सोर्सेस आदि ये सब बहुत ही कम थे। अपनी डेब्यू फिल्म प्यार का पंचनामा की शूटिंग के दौरान वो 12 रूममेट्स के साथ 2 BHK फ्लैट में रहते थे। कार्तिक आर्यन शाकाहारी हैं, लेकिन 2013 में मूवी आकाशवाणी की शूटिंग के दौरान अपना वजन बढ़ाने के लिए वो रोजाना 25 अंडे खाया करते थे। कार्तिक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके कुत्ते का नाम कटोरी है। वो अक्सर उसके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करते रहते हैं। कार्तिक शाहरुख खान को अपनी प्रेरणा मानते हैं। कभी एक एडवर्टीजमेंट में काम करके 1500 रुपीस पाने वाले 30 साल के कार्तिक यंग जनरेशन के सबसे फेवरेट स्टार्स में से एक हैं। लॉकडाउन के दौरान अपनी मूवी धमाका की शूटिंग उन्होंने 10 दिन में पूरी की। इस मूवी में काम करने के कार्तिक ने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने अपने बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था, मैंने अपने सपनों के बारे में अपने मम्मी पापा को नहीं बताया था। वो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर पाते, चाहे वो दिमाग से हो या फाइनेंशियली। ग्वालियर से मुंबई आना ही एक स्ट्रगल था। घर वालों की नजर में मुंबई में पढ़ाई कर रहा था, जबकि असल में यहाँ स्ट्रगल कर रहा था। कार्तिक ने कहा, शुरुआत से आज तक रिजेक्शन काफी मिले। कोई कनेक्शन नहीं था, आउटसाइडर भी हूँ, मैं किसी को जानता नहीं था, मुझे ऑफर भी नहीं आ रहे थे, सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, लेकिन मुझे मेरे स्ट्रगल पर गर्व है।
आज जो भी हूँ मैंने खुद बनाया है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ मैं कभी, कार्तिक ने आगे कहा था। शुरुआत में फेसबुक गूगल पर ऑडिशन की तलाश करता था, उसी से जानकारी मिलती थी। 2.5 से 3 साल बाद प्यार का पंचनामा मिला। कई बार तो मूवी के ऑडिशन के बारे में पता ही नहीं चलता था। मुझे जो पहला एड मिला उसके लिए 1500 रुपीज मिले थे, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। प्यार का पंचनामा के बाद फिर एक खराब दौर आया, एक मूवी फ्लॉप हुई, इसके बाद अब कुछ अच्छी फिल्में कर रहा हूँ। इस पूरे सफर का जो सार है उसे लगता है कि सक्सेस से ज्यादा नाकामयाबी ने मुझे सिखाया है। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि पिछले 3 फिल्में हिट हुई हैं तो अगली 3 भी हिट होंगी, वो कुछ पक्का नहीं है। कार्तिक ने कहा, आप में टैलेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आउटसाइडर्स में पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत अकेला लगता है, लेकिन ऐसा ही है। कोई भी किसी भी पोजीशन पर हो वो भी अकेला फील करता है, कोई करे या ना करे, आपको खुद पर बिलीव रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्तिक ने कहा था कि अपनी माँ को मिनी कपूर कार गिफ्ट करना लाइफ में सबसे खास रहा। कार्तिक ने कहा था कि अपनी माँ को मिनी कूपर कार गिफ्ट करना लाइफ में सबसे खास रहा, जिसे मैं ही चलाता हूँ। उन्होंने ये कार एक अवार्ड शो के दौरान देखी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत ही क्यूट गाड़ी है, तब से दिमाग में था कि वो कार लेनी है, इसलिए बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट की, लेकिन ज्यादा मैं ही चलाता हूँ। कार्तिक ने बताया कि ग्वालियर में उनके पास बजाज का स्कूटर था, वो उसे चलाया करते थे, और आज वो दिन है जब कार्तिक एक बहुत बड़े स्टार हैं, और आज के रेट में वो एक मूवी का 25 करोड़ चार्ज करते हैं। चंदू चैंपियन में भी उन्होंने 25 करोड़ ही रुपए चार्ज किए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी रकम है, और इनके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। कार्तिक आर्यन ने अपने इंटरव्यू में अपनी डाइट को लेकर बात की है। कार्तिक ने बताया कि कैसे मीठा और चीनी छोड़ने की वजह से उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो वेजिटेरियन डाइट पर चले गए थे, ऐसे में नेचुरल तरीके से अपनी डाइट में प्रोटीन जोड़ने के लिए उन्हें अपनी टीम के साथ मिलकर नए आइडियाज लगाने पड़े। फिल्म फेयर से बातचीत में कार्तिक आर्यन ने कहा, मैंने खुद को जब मन चाहे खाने की इजाजत दी थी, खास मिठाई मुझे वो बहुत ही पसंद है, खाने के बाद में कुछ मीठा जरूर खाता था, ये मेरे लिए नियम बन चुका था, इसलिए इसको छोड़ना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग वाली बात रही है। कार्तिक ने ये माना कि चीनी लेने छोड़ने के बाद उन्हें अपने अंदर इसके साइड इफेक्ट महसूस होने लगे थे। उन्होंने बताया, मैंने अपने ऊपर इसका असर होते देखा था जब मैंने पूरी तरह से चीनी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें ये बहुत ही कठिन मुश्किल लगा था, वो अपनी तलब से परेशान भी होते थे और चीनी ले लेते थे, लेकिन 15 दिनों के बाद उन्होंने अपनी डाइट में मीठा ना होने की बात को अच्छा समझना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया, मुझे समझ आया कि मुझे हर खाने के बाद कुछ मीठा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आया कि चीनी लेने से मेरे हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। ये बात मुझे सिर्फ अपने रोल की वजह से समझ नहीं आई, मेरे लिए ये एक पर्सनल चीज बन गई थी कि चीनी लेने से मेरे शरीर को बहुत ही नुकसान हो रहा है। वक्त के साथ मेरी सोच बदली और मैंने 1.5 साल के लिए चीनी से दूरी बना ली। कार्तिक आर्यन का चीनी और मीठा न लेने का व्रत चंदू चैंपियन की रैप पार्टी पर टूटा था। डायरेक्टर कबीर खान ने उन्हें रस मलाई खिलाकर उनका 1.5 साल लंबा व्रत तोड़ा था। हालांकि एक्टर ने बताया कि इतने लंबे वक्त तक मीठे से दूर रहने के बाद उन्हें मिठाई का स्वाद अच्छा ही नहीं लगा था। वेजिटेरियन होने की वजह से जब कार्तिक आर्यन ने अपनी डाइट की शुरुआत की तो उनके पास प्रोटीन लेने के कम ही ऑप्शन थे। ऐसे में उनके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने क्रिएटिव रेसिपी और नई चीजों के साथ उनके लिए प्लान तैयार किया। इस बारे में एक्टर ने बताया, मैंने डिनर में सूप लेना स्टार्ट कर दिया था और मैं चावल की जगह कॉली राइस, जिसे फूल गोभी से बने चावल को लंच में खाते वो था, वो असली चावल नहीं था, लेकिन उसमें कार्ब की जगह फाइबर था। टोफू और कोली राइस लेने से मुझे अपने वजन को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प मिली। मैंने सैलेड, बीन्स, दाल और पनीर से भरी बहुत सारी डाइट ली। एक एथलीट जैसी बॉडी बनाना कोई आसान काम नहीं है। एक्टर ने अपनी बॉडी बिना स्टेरॉइड के बनाई है। एक्टर ने बातचीत के दौरान 8 घंटे सोने की बात पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, एक ऐसे रूटीन को फॉलो करना इसमें मैं 8 घंटे की नींद लेने को प्राथमिकता मानता था। सही में बढ़िया साबित हुआ। चीनी न लेने की वजह से मेरा वजन तो मैनेज हुआ ही हुआ, लेकिन इसने मेरी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बना दिया था। शुरुआत में मुझे डर लगा था, पर बाद में लाइफ स्टाइल में हुए इस चेंजेस को मैं एंजॉय करने लगा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कार्तिक आर्यन के ट्रेनर त्रिदेव पांडे ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने अभिनेता की डाइट को लेकर कई सारे रहस्य खुलासे भी किए। एक इंटरव्यू में त्रिदेव ने बताया कि एक्टर को अपनी डाइट में भी काफी बदलाव करने पड़े। हमारे पास उनके लिए एक हफ्ते की खाने की योजना थी। हम उनके खाने के साथ बहुत ही अधिक नहीं जा सकते थे, क्योंकि फ्रेडी के बाद उन्होंने अपना वजन बढ़ाया था। मूवी सत्य प्रेम की शूटिंग शुरू की और तब चंदू की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए उसे काम शुरू करने के लिए एक एथलीट को आवश्यक आराम नहीं मिल सका। कार्तिक शाकाहारी है लेकिन वो अंडा खाता है, और ऐसे कई लोगों ने सुझाव दिया कि वो मांसाहारी खाना स्टार्ट कर दे, लेकिन उसने केवल मेरी सलाह मानी। और शाकाहारी होने के कारण मुझे पता था कि नॉनवेज खाना बिना खाए भी, बिना कुछ भी नॉनवेज को टच किए बॉडी कैसे बनाई जा सकती है। वो अपनी फिजिक्स की भी सराहना करते हैं। दोनों ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि ऐसे बॉडी बन जाएगी ना, और मैंने उन्हें कहा हाँ बन जाएगी। चंदू चांबियन को लेकर तो वैसे ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल महसूस हो ही रहा है, और इसे ये भी साफ जाहिर होता है कि मेकर्स शानदार कहानी वाली बड़ी मूवी लेकर आए। सॉन्ग सत्यानाश को मशहूर म्यूजिशियन प्रीतम ने कंपोज किया है, और शानदार सिंगर अरिजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज दी है। गाना काफी दमदार है और इसमें कार्तिक आर्यन का काम भी शानदार है, लेकिन एक बार को ये गाना फरहान अख्तर की मूवी भाग मिल्खा भाग के हिट सॉन्ग हवन करेंगे की याद दिलाता है। अगर आप नोटिस करते हो तो इन दोनों गानों के विजुअल्स कई हद तक और स्टोरी आइडिया मैच करते हैं। खैर, सत्यानाश और हवन करेंगे दोनों ही गाने दमदार हैं। वहीं बात करें कार्तिक के साथ साथ फरहान अख्तर की, तो उन्होंने भी बहुत ही कड़ी मेहनत की मिका सिंह की तरह बॉडी बनाने में। मिका सिंह के किरदार के लिए फरहान अख्तर को काफी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा था। फरहान ने एथलीट जैसी बॉडी बनाने के लिए तगड़ी मेहनत की, और तब जाकर वो मिका सिंह का किरदार निभा पाए थे। फरहान के ट्रेनर और कार्तिक के ट्रेनर दोनों ही डिफरेंट हैं। जहां कार्तिक के ट्रेनर त्रिदेव पांडे हैं, और वहीं फरहान के ट्रेनर समीर थे। फरहान के मूवी साइन करने के बाद उन्होंने हर रोज 13 महीने तक लगातार 5-6 घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग की। उनके फिटनेस ट्रेनर समीर जाऊरा ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब फरहान ने मूवी साइन की थी तो उनका फिटनेस लेवल जो आपने मूवी में देखा उसका केवल 70% था। उनका वजन 66 किलो था। पहले हमने उस पोर्शन की तैयारी स्टार्ट की जिसमें उन्हें फिट टोन्ड बॉडी के साथ दिखाया जाना था। इसमें फरहान का वजन तकरीबन 75 किलो तक दिखाया जाना था। इसके बाद जब मूवी में उन्हें आर्मी ज्वाइन करते हुए दिखाया जाता है, तो हमें उनके ज्वाइन करने से पहले वजन को 15 किलो तक कम करना पड़ा। इसमें हमें 3.5 महीने तक का वक्त लगा। इस दौरान उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदला गया, इस बस मसल्स को टोन डाउन कर दिया गया था। समीर ने आगे ये भी बताया कि मुझे फरहान का वर्कआउट हर 15 दिन में बदलना पड़ता था, ताकि उनकी बॉडी एक ही तरह के वर्कआउट के प्रति सेटल ना हो जाए। पहले उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद उनकी मसल्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी गई। इस तरह से मिखा के रोल के लिए फरहान पूरी तरह से 13 महीनों में तैयार हो पाए। समीर के मुताबिक फरहान ने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की। उन्होंने चावल, रोटी, ब्रेड और अल्कोहल को 13 महीने तक हाथ तक नहीं लगाया था। उन्हें कम सोडियम का खाना दिया गया, और खाने में सोडियम की मात्रा को लगातार मॉनिटर किया गया। उनकी मील ऐसी रखी गई जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की मात्रा बैलेंस्ड हो। फरहान 3 घंटे के अंतराल में दिन भर में 6 से 7 बार खाना खाते थे। अप्रैल 2014 में 61st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फरहान अख्तर अभिनीत भाग मिल्खा भाग को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक मूवी का पुरस्कार, इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी पुरस्कृत किया गया। मूवी का पुरस्कार बहुत ही अहम था उनके लिए।
चंदू चैंपियन से भी हम सभी को यही उम्मीद है कि इसे भी ढेरों अवार्ड से नवाजा जाएगा। वैसे तो बॉलीवुड के इतिहास में कई एथलीट्स पर बेस्ड फिल्में बनी ही हैं। भारत में स्पोर्ट्स काफी पसंद किया जाता है, खास तौर पर क्रिकेट यहाँ के लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। यहाँ क्रिकेट को लोग धर्म की तरह मानते हैं। क्रिकेट के प्रति ऐसी दीवानगी आपको दुनिया के किसी देश में शायद ही देखने को मिले। ये दीवानगी इतनी है कि कई बार कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों को तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में स्पोर्ट्स पर बनी फिल्मों में क्रिकेट के साथ दूसरे खेलों को भी काफी महत्व दिया जाता है। मूवी इंडस्ट्री ने कुश्ती, हॉकी, मुक्केबाजी जैसे खेलों को ध्यान में रखकर कई अच्छे फिल्में बनाई हैं। हॉकी पर आधारित मूवी चक दे इंडिया फिल्म 2007 में रिलीज की गई थी। इस मूवी में शाहरुख खान कबीर खान की भूमिका में नजर आए थे, जो इंडियन गर्ल्स हॉकी टीम के कोच थे। इस बेहतरीन मूवी का निर्देशन शिमित अमीन ने किया था। मूवी में शाहरुख खान के अलावा सागरिका घाट के, शिल्पा शुक्ला और विद्या मालवड़े भी मुख्य भूमिकाओं में थी। दंगल, ये मूवी भारत में बनी सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स मूवी में से एक है। कुश्ती पर बनी इस मूवी में आमिर खान मुख्य भूमिका में थे। रियल स्टोरी पर आधारित ये मूवी महावीर सिंह फोगाट और उनकी दो बेटियों की कहानी है। मूवी में दो बेटियों की कुश्ती को दुनिया में नाम कमाते हुए दिखाया गया है, जिसका समाज तो विरोध करता है लेकिन पिता साथ देता है। इस मूवी के निर्देशक नितेश तिवारी हैं। भाग मिखा भाग, ये मूवी फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिखा सिंह के जीवन पर बेस्ड है। मूवी में मिखा सिंह की भूमिका फरहान अख्तर ने निभाई है। इसके अलावा मूवी में सोनम कपूर और पवन मल्होत्रा भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये मूवी राकेश ओम प्रकाश के डायरेक्शन में बनाई गई है। एमएस धोनी, ये मूवी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर के सबसे बेहतरीन फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की कहानी है। कैसे महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में टिकट कलेक्टर से भारतीय टीम के कप्तान बने। मूवी का ताना बाना इसी के आसपास बना गया है। मूवी धोनी की भूमिका लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने निभाई है। इस मूवी का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे ने किया है। मैरीकॉम, साल 2014 में आई ये मूवी भारतीय बॉक्सर मैरीकॉम की कहानी। मूवी में मैरीकॉम की भूमिका प्रियंका चोपड़ा ने निभाई है। इस बायोपिक मूवी का डायरेक्शन उमंग कुमार ने किया है। मूवी में प्रियंका के अलावा सुनील थापा, रॉबिन दास, रजनी बासु मैत्री भी मुख्य भूमिका में है। सुरमा, भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की जिंदगी से प्रेरित मूवी सुरमा 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी में दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू मुख्य किरदार में थे। इसका निर्देशन शाद अली ने किया था। पान सिंह तोमर, इरफान खान स्टारर पान सिंह तोमर उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। हिंदी सिनेमा की ये फिल्म बेस्ट स्पोर्ट्स बायोपिक मानी जाती है। इसका निर्देशन तिग्मांशु धुलिया ने किया था। मूवी की कहानी एक एथलीट के डकैत बनने की कहानी है। सांड की आंख, हरियाणा की दो महिला शाप शूरो चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर की कहानी है सांड की आंख। मूवी अपनी कास्टिंग को लेकर विवादों में रही थी। कहा गया था कि मूवी के किरदार के हिसाब से तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर काफी यंग है, उन पर किया गया प्रोस्थेटिक मेकअप साफ झलक रहा था। बुधिया सिंह, बॉर्न टू रन, 2016 में आई बुधिया सिंह की जिंदगी पर आधारित इस मूवी में मनोज वाजपेयी ने कोच बिरंशी दास की भूमिका निभाई। बिरंशी दास बुधिया को धावक बनने में मदद करते हैं। सोमेंद्र पाठी मूवी के लेखक और निर्देशक हैं। और अब बारी है चंदू चैंपियन की। देश के लिए दो बार इतिहास रचने वाले चंदू चैंपियन उर्फ मुरलीकांत पेटकर को कम लोग जानते हैं। वो पहले कुश्ती खेला करते थे, वो आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन परिवार के प्रेशर के आगे वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए काम किया और इसके साथ अपने ख्वाब को भी पूरा किया। उन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से ही बॉक्सिंग की। चंदू चैंपियन आज थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन इससे पहले मेकर्स ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मुंबई में खास स्क्रीनिंग रखी थी। इस स्क्रीनिंग पर मूवी की कास्ट के अलावा टाइगर श्रॉफ, सुनील शेट्टी, विद्या बालन, अनन्या पांडे, शनाया कपूर समेत सेलेब्स शामिल हुए थे। लेकिन सबकी नजर सर्किट अरशद वारसी की क्यूट फैमिली पर टिकी रही। ऐसे कम ही मौके हुए जब अरशद अपने दोनों बच्चों के साथ किसी इवेंट में स्पॉट होते हैं। एक्टर अपनी बेटी जेनी जॉय और बेटे जैके वारसी के साथ स्पॉट हुए। उनकी पत्नी मारिया भी साथ नजर आई।
अर्शद के बेटे को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें पिता की कॉपी बता रहे हैं। मुंबई में बी टाउन के दिग्गजों के लिए चंदू चैंपियन का एक स्पेशल प्रीमियर आयोजित किया गया। इसमें अनन्या पांडे भी शामिल थी। मूवी देखने के बाद उन्होंने मूवी का रिव्यू करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मूवी का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, शानदार, इस पर यकीन करने के लिए आपको इसे देखना होगा। वहीं फिल्म व्यापार विश्लेषक सुमित कड़ेल ने लिखा, चंदू चैंपियन 2024 की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। सिद्धार्थ कदन ने चंदू चैंपियन का रिव्यू करते हुए लिखा, चंदू चैंपियन इसे कार्तिक आर्यन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहना कम होगा। मुरलीकांत पेटकर जी की तरह ही उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया है और मूवी में अपने प्रदर्शन से एक अमिट छाप छोड़ी है। विजयराज अपने मुरली के लिए मूवी में आपसे बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता था। कबीर खान ने एक और ब्लॉकबस्टर के साथ धमाल मचा दिया है। कार्तिक आपने उन सभी को चुप करा दिया है जो कभी कहते थे हंसता काय को है। चंदू चैंपियन की एडवांस बुकिंग की बात करें तो ये रविवार को स्टार्ट हुई थी। मूवी की प्री टिकट सेल उम्मीद से कम रही, लेकिन सैक्लिनिक रिपोर्ट के मुताबिक चंदू चैंपियन ने देश भर में 41,254 टिकट्स का सेल करा और इसने एडवांस बुकिंग में 1.18 CR की कमाई भी की। मेकर्स ने जोरों शोरों से एडवांस बुकिंग का ऐलान किया था। आज जून को दुबई के बुर्ज खलीफा पर एडवांस बुकिंग के अनाउंसमेंट को प्रोजेक्ट किया गया था। 9 जून से एडवांस बुकिंग की शुरू हुई थी, लेकिन मूवी को कुछ खास फायदा नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के लिए इस मूवी के सिर्फ 26,491 टिकट बिके थे। इसके जरिए मूवी ने एडवांस बुक में 74.98 लाख की कमाई की। ये आंकड़े 13 जून रात 8 बजे तक के हैं। रिपोर्ट की माने तो ओवरसीज में ये मूवी 70 देशों में 1300 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जो कि तैराक मुरलीकांत पेटकर पर बेस्ड है, जिन्होंने 1972 में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। यशपाल शर्मा, विजयराज, राजपाल यादव, अनिरुद्ध दवे भी इस मूवी का अहम हिस्सा है। मूवी को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है, जो एकता टाइगर, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों को रारे करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो ट्रेलर और पोस्टर्स में कार्तिक आर्यन के ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसके बाद इस मूवी को लेकर बस भी पीक पर पहुंच गया। वहीं मेकर्स ने भी चंदू चैंपियन के प्रमोशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में काफी उम्मीदों के साथ चंदू चैंपियन आज सिनेमाघरों में दस्तक दी। सेल्स को मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए चंदू चैंपियन 4.50 से 5.50 CR रुपए की रेंज में शुरुआत कर सकती है और ऐसा तब होगा जब शाम और रात के शो में आने वाली ऑडियंस की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी। ये एक महंगी मूवी है और इसलिए मूवी को लंबे समय तक चलने के लिए सिनेमा जाने वाले ऑडियंस के बीच पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत बहुत ही जरूरी है। अगर मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिलता है तो ये अपने ओपनिंग वीकेंड में 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच कमाई कर सकती है। इसके बाद मंडे को बकरीद की छुट्टी का फायदा भी मूवी को मिल सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन ने लीड रोल प्ले किया। मूवी कबीर खान ने इस मूवी को निर्देशित किया है, जबकि साजिद नारियालवाला ने इसे प्रोड्यूस किया है। ये मूवी भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक बताई जा रही है। कार्तिक ने मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने के लिए अपना जीवन और आत्मा लगा दिया है। मुरलीकांत तैराकी के लिए भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 2018 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। इस भूमिका को निभाने के लिए कार्तिक को दो खेलों बॉक्सिंग और तैराकी में भी महारत हासिल की। कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन की बॉक्स ऑफिस पर मिड बजट फिल्मों से टक्कर होगी। हॉरर मूवी मुंजिया ने 6 दिन में 32.47 CR रुपए का कलेक्शन कर लिया है। मूवी ने पहले दिन 4.21 CR रुपए, दूसरे दिन 7.40 CR रुपए, तीसरे दिन 4.11 CR रुपए, चौथे दिन 4.21 CR और पांचवें दिन 4.11 CR रुपए का कलेक्शन किया। इसके अलावा राजकुमार राव और जानवी कपूर की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही ने 30 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर लिया है।
चंदू चैंपियन के लिए दो हफ्ते अहम होने जा रहे हैं। 27 जून को प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण की मूवी कल की 2898 AD रिलीज होने जा रही है। एक काल्पनिक दुनिया तथा उससे जुड़े लोग और चीजें सब कुछ तैयार करना किसी भी फिल्मकार के लिए आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब उस फिल्मकार का पहला प्रयास हो। 27 जून को प्रदर्शित हो रही मूवी कल की 2898 AD के लिए निर्देशक नागाश्विन के सामने कुछ ऐसी ही चुनौतियां रही हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्देशक नागाश्विन ने इस मूवी से पहली बार साइंस फिक्शन जॉनर में हाथ आजमाया। मूवी से जुड़े सूत्रों के अनुसार नागाश्विन को सेट और स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से कल की 2898 AD की दुनिया का निर्माण करने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा। भारतीय टिकट खिड़की पर मैड मैक्स और डून जैसी हॉलीवुड फिल्मों की अच्छी कमाई देखकर उन्हें इस जॉनर की फिल्म बनाने का ख्याल आया। इस मूवी में दिखाए काशी हर जगह को बनाने के लिए पहले उन्होंने सेट और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ देश की कुछ प्रतिष्ठित और बेहतरीन VFX कंपनियों की मदद ली। उनकी सहायता से ही वो अपनी कल्पना को पर्दे पर लाने में सफल हो पाए हैं। कल की चंदू चैंपियन को कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर उससे पहले चंदू चैंपियन अपने मन मुताबिक कमाई कर गई तब तो सोने पर सुहागा, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो कार्तिक और मूवी की पूरी टीम को नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, चंदू चैंपियन का बड़ा बजट और स्टार पावर को देखते हुए मूवी से काफी उम्मीदें हैं। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। कार्तिक बी टाउन के बैंकेबल स्टार भी हैं। प्यार का पंचनामा से लेकर भूल भुलैया 2 तक उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और एक लंबा सफर भी तय किया है। फिलहाल एक्टर अपनी मच अवेटेड मूवी चंदू चैंपियन की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं और मूवी का जम कर प्रमोशन भी कर रहे हैं। इन सब के बीच एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल पर भी बात की, साथ ही अपनी पहली मूवी से मिली अपनी पहली सैलरी का भी खुलासा किया। बॉलीवुड हंगामा के दिए इंटरव्यू के दौरान चंदू चैंपियन एक्टर कार्तिक आर्यन ने खुलासा किया कि उन्हें उनकी पहली मूवी के लिए पहली सैलरी के रूप में कितना अमाउंट मिला था। कार्तिक ने कहा, प्यार का पंचनामा के लिए सैलरी 1 CR रुपए नहीं मिली थी, ये 70,000 रुपए थी। ये सब सहज है और ये आपकी चॉइस है जो आपको रैंकों में आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए भी इतना पैसा नहीं कमाया। उन्होंने आगे कहा, मैंने सोनू के बाद ही पैसा कमाना स्टार्ट किया। कार्तिक आगे कहते हैं, उन दिनों मैं TDS को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। टैक्स मेरे तनख्वाह से पहले ही काट लिए जाते थे। मैंने टैक्स पे करने के बाद प्यार का पंचनामा के लिए 63,000 रुपए कमाए थे। TDS वास्तव में मुझे परेशान करता था। मुझे याद है कि मैंने अपने पहले एड के लिए 1500 रुपए और पहली मूवी के लिए 70,000 रुपए कमाए थे और अब मैं इस नंबर पर पहुंच गया हूँ। फिलहाल कार्तिक अपनी अगली रिलीज चंदू चैंपियन की तैयारी में है। कबीर खान द्वारा निर्देशित ये मोस्ट अवेटेड मूवी 14 जून को रिलीज हो रही है। वहीं इस मूवी के लिए अपनी भूमिका की तैयारी के बारे में फिल्म कैंपेनियन से बात करते हुए कार्तिक ने कहा, मैं एक आंधी सोशल लाइफ जी रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बहुत सामाजिक था, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मैं पूरी तरह से एंटी सोशल हो गया था और मुझे ये पसंद आने लगा। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि चंदू चैंपियन की तैयारी ने भूल भुलैया 3 में उनके काम को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, मैं अनीस बाजमी के सेट पर गया था। जैसे ही मैंने भूल भुलैया की शूटिंग शुरू की और अपना पहला सीन किया, मुझे बताया गया कि मेरी एनर्जी कम हो गई है और मुझे इसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं इसे पुशअप करने की कोशिश करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहा हूं। मैंने उसके साथ डबल चेक भी किया, लेकिन सही बैलेंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। चंदू चैंपियन के बाद कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में नजर आएंगे। इस मूवी की शूटिंग पर तेजी से काम किया जा रहा है। एक हालिया इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने जानकारी देते हुए बताया कि मूवी की शूटिंग आखिरी चरण में कब पहुंची। उन्हें उम्मीद है कि मूवी दिवाली पर धमाका मचा देगी। कार्तिक ने आगे कहा कि भूल भुलैया 3 को देखकर भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के फैंस खुश हो जाएंगे। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ साथ एनिमल में काम करने वाली अभिनेत्री तृप्ति डिमरी भी नजर आएंगी। कार्तिक एक बार फिर से रू बाबा के किरदार में दिखाई देंगे। इन दोनों के अलावा दर्शक विद्या बालन को मॉन्टुलिका के किरदार में देखने के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। मूवी का निर्देशन अनीस बाजमी ने किया है। इसे 2024 की दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी भूल भुलैया थी, जो साल 2007 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव ने अभिनय किया था। ये मलयालम मूवी मनी चितार्थू का
हिंदी रीमेक थी। कई साल बाद 2022 में भूल भुलैया 2 रिलीज हुई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार की जगह ली थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई भी की थी। कार्तिक का कहना है कि चंदू चैंपियन के लिए उन्होंने करीब 2.5 साल कड़ी मेहनत की। इसी मूवी के प्रमोशन के दौरान कबीर खान ने बताया कि वो अक्सर अपनी मूवी का पहला सीन या पहला टेक खुद शूट नहीं करते। बीते दिनों कार्तिक और कबीर दोनों ही दी लल्लन टॉप के स्पेशल प्रोग्राम लल्लन टॉप बैठकी में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मूवी से जुड़ी और शूटिंग से जुड़ी बातें की। इसी बातचीत में कबीर ने बताया कि वो अपनी फिल्मों के लिए पहले टेक या पहले सीन को ज्यादातर खुद शूट नहीं करते। कबीर से जब पूछा गया कि क्या उनकी मूवी के सेट पर इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश होती है, तो उन्होंने कहा, सेट पर इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ही गुंजाइश रहती है। मैं इस बात पर पूरा विश्वास भी करता हूँ कि खूब रिसर्च कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, बहुत होमवर्क कीजिए, मगर कभी इम्प्रोवाइजेशन को ना मत कहिए। जब बतौर डायरेक्टर आप थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि इनको ज्यादा पता है, हमें कुछ भी नहीं पता, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। कबीर ने कहा, जब यंग एक्टर्स होते हैं या न्यू कमर्स होते हैं तो मैं पहले टेक से ही भाग जाता हूँ, वहां रहता ही नहीं। मैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि हो सकता है वो एक्टर कुछ सोच कर आया हो और मैं उसे बता दूं कि ऐसा ऐसा करना है तो वो अपनी सोची हुई चीजें भूल जाए। उन्हें लगे कि जैसा डायरेक्टर ने कहा है वैसा ही करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं पहला टेक डायरेक्टर नहीं करता, मैं बाकी सब कुछ करता हूँ, मगर पहले टेक से पहले ये नहीं बोलता कि ऐसे करो वैसे करो, ये सब नहीं। कबीर ने यह भी बताया कि मैं पहले टेक के वक्त ऑडियंस की तरह बैठा रहता हूँ। इसी का नतीजा है कि कभी कभी पहले टेक में ही एक्टर ऐसा कुछ लाता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं होती, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। इसके अलावा कबीर खान ने सलमान के साथ की मूवी बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा पर भी बात की। इसके अलावा चंदू चैंपियन को लेकर भी तैयारियों पर उन्होंने चर्चा की और इसी इंटरव्यू में पहुंचे कबीर खान ने सलमान खान से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया। कबीर खान ने सलमान खान के साथ एक था टाइगर बजरंगी भाईजान ट्यूबलाइट बनाई है। इंटरव्यू में कबीर ने मूवी बजरंगी भाईजान का किस्सा सुनाया जब 25,000 लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मुकेश छाबड़ा से बात करते हुए कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के वक्त का एक किस्सा सुनाया। कहा, हम सलमान खान को चांदनी चौक या जामा मस्जिद ले गए थे। मुझे याद है कि दूसरे दिन हम चांदनी चौक में अंदर एक गली में शूट कर रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस आई और बोला कि आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, आपको बाहर 25,000 लोगों ने घेरा है, आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे। इन सभी को पता लग गया है कि आप सलमान खान के साथ शूट कर रहे हो। फिर हम कुछ गाड़ियां लाए, इनोवा लाए, सलमान को छिपाया, पीछे के रास्ते से सलमान को निकाला और फिर हम निकले। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करते तो उस दिन हम निकल ही नहीं पाते। यही तो सलमान खान का स्टारडम है। बातचीत के दौरान एक था टाइगर का जिक्र भी हुआ तो कबीर ने कहा कि कैटरीना कैफ उनके लिए परिवार के मेंबर की तरह है। मूवी के बारे में बात करते हुए कबीर ने कहा, मूवी के लिए कैटरीना कैफ पहले ही साइन हो चुकी थी। इसके बाद हम सलमान खान के पास गए थे। इस वक्त इनका ब्रेकअप हो गया था, दोनों सेट पर बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थे। मैंने सलमान को कहा था कि मैं कैटरीना को मूवी में चाहता हूँ, सलमान ने हाँ कह दिया था। बीते दिनों खबरें आई थी कि सलमान खान और कबीर खान एक बार फिर से काम करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर खान ने सलमान खान को मूवी बब्बर शेर के लिए अप्रोच किया है, हालांकि ऑफिशियली कबीर खान ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 सालों में सलमान खान कैमियो और लीड रोल्स मिलाकर कुल 9 फिल्में में नजर आएंगे। इस लिस्ट में दबल, शेर खान, AR मुर्गरौस की अनाम मूवी, कबीर खान के साथ मूवी, सूरज बड़जात्या की मूवी और टाइगर वर्सेस पठान जैसे टाइटल शामिल हैं। मगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ मुर्गरौस की मूवी का हुआ है। दबंग 4 को लेकर भी अरबाज ने साफ किया था कि इसमें टाइम लगेगा। इसके अलावा दी बुल का मामला भी अभी अटका हुआ है। एक समय पर यह हिंदी सिनेमा में बड़ा प्रचलित मुहावरा हुआ करता था, जिन्होंने ये कहा उन्होंने न कभी इस बारे में सोचा न अमल किया, ये आप उनकी फिल्मों से पता कर सकते हैं। मगर ये बात आप चंदू चैंपियन में पाते हैं। उन्होंने मुरलीकांत पेटकर की कहानी दिखाने के लिए हीरोइक रास्ता नहीं चुना है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कहानी ही मूवी की हीरो है। जब तक आप एक कहानी पर मूवी बना रहे हैं, यथार्थ बचा रहता है। जब आप कहानी को मूवी बना देते हैं तो वो कुछ और ही हो जाता है। किंवदंती सरीखा, कम यकीनी, इससे बच निकलना ही चंदू चैंपियन की पहली जीत है। चंदू चैंपियन को बेचा भले कार्तिक आर्यन के नाम पर है,
मगर देखा जाए तो कबीर खान की वजह से ये जाएगा, अपने क्राफ्ट पर उनकी पकड़ की वजह से। उनकी फिल्में आपके भीतर जो इमोशंस पैदा करती हैं वो सार्वभौमिक हैं। उनकी फिल्में देखने और समझने के लिए आपका सिर्फ इंसान होना काफी है। चंदू चैंपियन कोई असाधारण मूवी नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हो जो हमने पहले ना देखा हो। बावजूद इसके इसमें नयापन है, टैम्पलेट सिनेमा नहीं है। इसे इंडियन फॉरेस्ट गंप कहा जा सकता है या थोड़ा सा भाग मेघा भाग से जोड़कर देखा जा सकता है, मगर ये तीसरे किस्म का सिनेमा है। हालांकि कई मौकों पर मूवी कलात्मक छूट भी लेती है। मसलन एक सीन मुरली का किरदार कुश्ती लड़ रहा है, बीच बीच में वो इनाम के तौर पर मिले पैसे भी देख रहा है। इस समय पर मूवी रुक जाती है। ऐसा लगता है कि मुरली का ओपोनेंट भी रुका हुआ है कि एक बार मुरली पैसे देख ले, उसके बाद लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। हालांकि इसे सिनेमाई लिबर्टी मानकर आगे बढ़ जाया जाएगा, मगर ये एक आध सेकेंड ही एक अच्छी मूवी की प्रतिष्ठा में डेंट मारते हैं। चंदू चैंपियन की सबसे बड़ी खामी खुद कार्तिक आर्यन लगते हैं, क्योंकि इंटरवल के बाद कुछ एक सीन्स को छोड़ दे तो पूरी मूवी में कार्तिक का हाथ तंग लगता है। हर जगह सिर्फ वो शारीरिक बदलाव की बात हो रही है। उन्होंने इस किरदार को कितना आत्मसात किया है ये बात कहीं सुनने को मिला ही नहीं, ना ही मूवी में देखने को मिली। कहने को इसे कार्तिक का सबसे अच्छा काम कहा जा सकता है, मगर वो बार बहुत लो है। ये वो मूवी है जो कार्तिक के भीतर के एक्टर को चैलेंज करती है, मगर ये चैलेंज उन्हें सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी लेनी चाहिए। हालांकि ऐसी फिल्मों का चुनाव करने के लिए कार्तिक को साधुवाद पहुंचना चाहिए। मूवी में मुरली के बचपन का किरदार एक चाइल्ड एक्टर ने प्ले किया है। जल्दबाजी में उस बच्चे का नाम पता नहीं चल सका, मगर आप उस बच्चे को थोड़ी देर और स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल ही नए टाइप का एक्सपीरियंस था। अमूमन हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारा नायक बड़ा हो जाए ताकि हीरो स्क्रीन पर आए। चंदू चैंपियन में विजय राज ने अली खान नाम के बॉक्सिंग कोच का रोल प्ले किया। ये मूवी का सबसे मजेदार किरदार है, मगर ये सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं है, कहानी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। छोटे रील्स में ही और छोटे रोल्स में ही सही अपने एक्टर्स को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए वो कबीर खान ने इस मूवी में करके दिखा डाला है। क्योंकि जब आपके पास राजपाल यादव, ब्रिजेंद्र काला, यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स हों तो उन्हें आप यू में नहीं जाने दे सकते। ब्रिजेंद्र काला का कैमियो जितना रोल होगा मगर उतने में ही आप मूवी पर उनका प्रभाव महसूस कर सकते हो। आखिर में हमारे सामने वही यक्ष प्रश्न खड़ा होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। चंदू चैंपियन पद्मश्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर की कहानी के साथ न्याय कर पाती है या नहीं? इसका जवाब है जी हाँ। आप इस मूवी को देखकर इंस्पायर होते हैं, हैरान होते हैं ये सोचकर कि ये कहानी अब तक आपको क्यों नहीं पता थी। कुड़ते हैं उस तिरस्कार पर जो मुरलीकांत पेटकर को 50 सालों तक सहना पड़ा, मगर आप सिनेमा घर से संतुष्ट निकलते हैं। सुंदर दिल से बनाया हुआ ये सिनेमा है। कहते हैं फिल्मों का हमारी जिंदगी से गहरा नाता होता है। फिल्मों में हम जो कुछ भी देखते हैं उसे अपनी पर्सनल जिंदगी से जोड़ने लगते हैं। मूवी के मुख्य किरदार की जगह हम खुद की कल्पना करने लगते हैं। कुछ फिल्में ऐसे भी होती हैं जो हमारे मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती है। कभी कभी हम खुद को उन फिल्मों से इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि ये हमारी जिंदगी ही है। वहीं कई फिल्में ऐसी भी होती हैं जो हमें जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया सिखाती है। इन फिल्मों में हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, साथ ही ये हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, ये फिल्में हमें कभी हार ना मानना सिखाती है, साथ ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब इन फिल्मों की लिस्ट में कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड मूवी चंदू चैंपियन का नाम भी शामिल हो चुका है। साल 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने पर मूवी 83 बनाने के बाद कबीर खान ने इस बार बायोपिक मूवी चुनी है। मुरलीकांत की कहानी प्रेरणादायक है। जीवन में आई तमाम दुश्वारियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पदक जीते की लालसा ने ही उन्हें जीवन में फिर उठ खड़े होने की शक्ति दी। उस जज्बे को वो मूवी में शुरू से अंत तक कायम रखते हैं।
बचपन में पहलवानी, फौज में आने के बाद बॉक्सिंग और फिर स्विमिंग को लेकर मुरलीकांत के समर्पण, जुनून और उत्साह को पूरे मनोयोग से कार्तिक आर्यन ने जिया है। उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। हालांकि इन खेलों पर हिंदी में दंगल, मैरी कॉम, सुल्तान जैसी सफल फिल्में आ चुकी हैं, उनमें खेल को बारीकी से दिखाया गया। यहाँ पर पहलवानों के बीच कुश्ती और रिंग में बॉक्सिंग के कई सीन्स हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं। मुरलीकांत पेटकर का परवरिश मराठी है, लेकिन कार्तिक उस उच्चारण को पकड़ नहीं पाते, जबकि सहयोगी भूमिकाओं में आए कई कलाकार मराठी भाषी उस कमी को पूरा कर देते हैं। मूवी में सिनेमाई लिबर्टी भी काफी ली गई है। मसलन कार्तिक को बॉक्सिंग में कोच करने वाले टाइगर ही उन्हें स्विमिंग के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इसी तरह 1965 की जंग का दृश्य भी विश्वसनीय नहीं बन पाया, जबकि ये उनकी जिंदगी का रुख पलट देता है। ये दृश्य भावनाओं को जगा पाने में नाकाम रहता है। यशपाल शर्मा, विजय राज और राजपाल यादव जैसे मंझे कलाकारों की मौजूदगी मूवी को बांध कर रखने में मददगार रही। कर्नल की भूमिका में भुवन अरोरा का काम बहुत ही अच्छा रहा। टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने से लेकर मुरलीकांत का हौसला बढ़ाने को लेकर उन्हें अच्छे संवाद और सीन्स मिले हैं। मूवी के कुछ डायलॉग्स भी प्रेरक हैं। मसलन, तुझे गांव से नहीं भगाया गया, तेरे सपने की ओर तुझे दौड़ाया गया। बैकग्राउंड में चलने वाला गीत फलक सितारे तोड़ कर्णप्रिय है। मौज करे पड़ोसी गाना मूवी मिखा सिंह के गाने हवन करेंगे की याद ताजा कराता है। ये ठूसा गया गाना लगता है। क्लाइमेक्स में जब मुरली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, उस समय रिवर्स में दिखाई गई उसकी जिंदगी का शॉट बहुत ही बेहतरीन है। मूवी की अवधि 2 घंटा 23 मिनट है। चंदू चैंपियन की सबसे अधिक एडवांस बुकिंग दिल्ली NCR और महाराष्ट्र में हुई है। दोनों ही जगहों से मूवी ने एडवांस बुकिंग से 30 से 35 लाख रुपए की कमाई की है। 150 रुपए की रियायती टिकट ओपनिंग डे पर ऑन स्पॉट बुकिंग में फायदा पहुंचा सकती है। सिनेमाघरों में सुबह के शोज 10% सीट्स पर दर्शक नजर आए हैं। ऐसे में शाम और रात के शोज में संख्या बढ़ने के आसार है। उम्मीद यही है कि पहले दिन चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर 5 से 7 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। हालांकि यदि रात के शोज में ऑडियंस अधिक पहुंचते हैं तो ये आंकड़ा 9 से 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अभी कुछ ही दिनों की बात है जब हम लोग ये सोच रहे थे कि अब बस कुछ ही दिन और फिर थिएटर्स में दस्तक देने हाजिर होगी बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन, और वो वक्त आ भी गया। वैसे कार्तिक ने हम सबको हक्का बक्का कराने का एक भी मौका हाथ से गवाया नहीं है, और अब तो उनकी नाम मूवी ने रिलीज से पहले ही एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। दरअसल चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज हुई, यानी कि मूवी मुंड्रिया के 7 दिन बाद, और अब इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। पर एडवांस बुकिंग शुरू होने ही वाली है इस बात की अनाउंसमेंट मेकर्स ने सोशल मीडिया पे नहीं की थी, बल्कि बुर्ज खलीफा पे की थी। जी हाँ, तो चंदू चैंपियन ऐसी पहली मूवी है जिसकी एडवांस बुकिंग की घोषणा बुर्ज खलीफा पर की गई। वैसे ज्यादातर फिल्में इस खूबसूरत बिल्डिंग पर बस अपने गाने या ट्रेलर ही दिखाते हैं, जैसे शाहरुख खान की मूवी पठान और जवान के ट्रेलर्स बुर्ज खलीफा पर दिखाए गए। उसके बाद अक्षय कुमार की मूवी लक्ष्मी का गाना बुर्ज खलीफा असल में बुर्ज खलीफा के पास शूट किया गया था। पठान भी थोड़ी बहुत बुर्ज खलीफा पर ही शूट हुई है ऐसा कहा जाता है, और उस बहाने हमें बुर्ज खलीफा देखने का मौका भी मिलता है। और बुर्ज खलीफा पर किसी स्टार का चेहरा देखना ये ह्यूज स्टारडम का सिंबल माना जाता है, जिसमें शाहरुख खान पहले आते हैं, उनके बोदे पर उन्हें बुर्ज खलीफा पर बधाई दी जाती है और उनकी फिल्में भी वहीं प्रमोट होती हैं। पर अब शाहरुख के बाद कार्तिक आर्यन का फेस बुर्ज खलीफा पे देखने को मिला है, ये बहुत ही बड़ी बात है। वैसे प्रोड्यूसर्स और दर्शकों की नब्ज को बड़ी अच्छे से समझते हैं और फैंस को सिनेमाघरों की ओर वापस लाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि इन दिनों थिएटर्स की हालत भी कुछ खास नहीं चल रही है। ऐसे में लोगों को चंदू चैंपियन से खासी उम्मीदें हैं, पर मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की है। अब साजिद नाडियाडवाला जैसे प्रोड्यूसर हो, वहां पर पैसा ही पैसा होगा, मतलब कोई कंजूसी नहीं ना मूवी में और ना ही मूवी के प्रमोशन में। और ग्वालियर में जाकर ट्रेलर लॉन्च करने के ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने प्रमोशन में भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है,
और इस अनाउंसमेंट के वक्त कार्तिक डायरेक्टर, कबीर खान और कई सारे फैंस बुर्ज खलीफा के पास मौजूद थे, जिनकी खुशी बता रही थी कि उन्हें ये बहुत ही पसंद आई है। तो इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, यानी एक बायोग्राफिकल ड्रामा हमें देखने को मिल रही है। और इस जॉनर को लेकर ऑडियंस के अंदर और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये लोग प्रमोशन में यूनिकनेस दिखा रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं कि मूवी में भी ऐसा ही देखने को मिले। बोले तो एकदम पैसा वसूल एंटरटेनमेंट होनी ही चाहिए। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के चार्मिंग ही नहीं बल्कि बिजीएस्ट एक्टर भी हैं और बहुत ही मोस्ट ऑक्यूपाइड वन है। इस बंदे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है और ये कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं यार, जिस पर इन्हें मिथुन दा वाला ग्रैंड सल्यूट देने का मन भी करता है, क्योंकि ये डायरेक्टर को ज्यादा परेशान ना करते हुए वन शॉट में ही अपना पूरा का पूरा काम रफा दफा करते हैं और उसमें जरा भी गलती से मिस्टेक नहीं करते। और यही तो किया उन्होंने मूवी चंदू चैंपियन के साथ भी, इसलिए तो डायरेक्टर कबीर खान की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब वो कौन सी टेंशन थी, कार्तिक ने उसमें क्या किया, आइए बताते हैं। दरअसल इस मूवी में एक वॉर सीक्वेंस होने वाला है, वो भी 8 मिनट का। इससे जुड़े पोस्टर्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, जिसमें कार्तिक वॉरियर के अंदाज में हाथ में मशीन लेकर फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। और अब एक वीडियो भी शेयर की है इसके बिहाइंड द सीन की, उसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की वैली में किस तरह डायरेक्टर कबीर खान, उनकी टीम कार्तिक और पूरा क्रू मौजूद है इस वॉर सीक्वेंस के लिए, जिसमें कबीर कार्तिक को सीन समझाते हुए नजर आ रहे, माइक पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आए और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार्तिक और उनकी टीम फायरिंग कर रही है, साथ ही ब्लास्ट भी दिखाए जा रहे हैं। और फाइनली जब कार्तिक को, यानी कि वो जो कैरेक्टर निभा रहे हैं मुरलीकांत पेटकर जी का, उन्हें उसे वॉर सीक्वेंस में कैसे गोलियां लगती है, इसे भी वहां शूट किया गया। अब वो ये पूरा मांजरा देखते हुए उनकी मेहनत तो साक्षात सामने है, पर इस 8 मिनट के वॉर सीक्वेंस को इन्होंने सिंगल शॉट में शूट कर दिया। तो 9000 फीट समंदर लेवल के ऊपर एक आर्मी कैंप बिल्ड किया गया। इस सीक्वेंस की रिहर्सल के लिए टोटल 4 से 5 दिन दिए गए और 6th दिन इसकी शूटिंग की गई। इस इंटेंसिव रिहर्सल में कार्तिक के साथ साथ एक्टर विजयराज जैसे नामी एक्टर भी थे, तो एक दिन में इन्होंने सीन कंप्लीट भी किया, वो भी 300 सोल्जर्स के साथ। और उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर के एसेंस को पकड़ने की कोशिश भी की है, जो हमें पर्दे पर देखने को मिलेगी। अब मुरलीकांत पेटकर जी की जिंदगी का सबसे भयानक पल शूट करना कबीर के लिए टेंशन था, पर कार्तिक की वजह से तो वो परफेक्टली और सिंगल शॉट में शुरू हो गया और इसे कबीर की बड़ी टेंशन तुरंत दूर हो गई। वैसे भी कार्तिक वन टेक शॉट देने में माहिर तो हैं, क्योंकि उनकी मूवी प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग को उन्होंने एक शॉट में ही शूट किया था, उसके बाद वो किंग ऑफ मोनोलॉग कहलाए गए। और अब ये इतना बड़ा सीक्वेंस, वैसे बॉलीवुड में ऐसे कम एक्टर्स हैं जो वन शॉट दे चुके हैं। इसमें लीड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो आना ही चाहिए, एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने के साथ साथ उन्होंने गाने में भी सिंगल शॉट दिया था, जैसे उनकी आखिरी मूवी दिल बेचारा की टाइटल ट्रैक में। उसके बाद विकी कौशल, जिन्होंने डंकी में अपने कुछ इमोशनल सीन सिंगल टेक में ही लिए थे। फिर शाहरुख खान का ट्रक दे इंडिया वाला 70 मिनट का वो मोटिवेशनल डायलॉग, वो भी सिंगल टेक का ही हिस्सा है। और आपको हैरानी होगी, पर अपने कानों पर यकीन रखिए, क्योंकि वॉर में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस को टाइगर श्रॉफ ने भी सिंगल टेक में ही किया था, एंड वी आर नॉट जोकिंग। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे क्रूशियल सीक्वेंस सिंगल टेक में आज तक ना किसी भी मूवी में किए गए और ना किसी एक्टर के जरिए ऐसा हो पाया है। और ये BTS वीडियो शेयर करने के बाद फैन जरूर इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सच में कार्तिक इस बायोपिक को जस्टिस देने की पूरी कोशिश की है। तो उनकी चीर तोड़ मेहनत का नजारा कोई इग्नोर नहीं कर सकता और इस चीज के लिए लोग मूवी में जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे। पर दोस्तों, उन्होंने जो 1965 का वॉर सीक्वेंस रिक्रिएट किया, उसकी रियल स्टोरी क्या है? दरअसल 1964 मुरलीकांत जी 20 वर्ष के हो चुके थे और इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट भी हुई। वहां गए मुरली ने ऐलान कर दिया कि वो मेडल जरूर जीतेंगे, नाम रोशन कर अपने बेस पर वापस लौटे, जो था सिकंदराबाद। पर वो जानते नहीं थे
कि अब उनकी जिंदगी में पहले से भी बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इनाम के तौर पर सीनियर्स ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। अब साल 1965 की बात है, महीना था सितंबर, मुरलीकांत सियालकोट के आर्मी कैंप में थे। रोज एक रूटीन सेट था, दोपहर खाने के बाद थोड़ी सी नींद ली जाती और फिर दोस्तों के साथ शाम की चाय के लिए उठते। पर एक दिन सब बदल गया जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला स्टार्ट कर दिया। लगातार हमले हो रहे थे, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान बदल कर रख दी। उन्हें 9 गोलियां लगी, एक गाल, टांग, सिर पर, जबकि एक गोली उनकी रीढ़ में आज भी है। हमले के बीच कैंप में भगदड़ मच गई और एक आर्मी जीप उन्हें रौंद कर चली गई। मुरलीकांत को वहां से अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गोलियां और छोरे लगने की वजह से कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी याददाश्त चली गई थी, फिर बाद में वापस आई। कई जगहों पर ऐसा पढ़ने को मिला कि मुरलीकांत एक दिन हॉस्पिटल के बेड से गिर गए थे, तभी उनकी याददाश्त लौट आई। पर यह हुआ कैसे, अब ये कोई भी नहीं जानता, पर यह सब उतना ही आसान नहीं था। पर यह सब सुनने में जितना खतरनाक लगता है, उम्मीद करते हैं कि कबीर ने उसे ऐसे ही प्रेजेंट किया होगा जिससे हर मोमेंट पे हम गूज़बम्प्स आए। जिन लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकने और कदम जमाने के लिए एक गॉडफादर की जरूरत है, बिना गॉडफादर के आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें विजय राज के बारे में जरूर जान लेना चाहिए और कार्तिक के बारे में भी। विजय राज हिंदी सिनेमा का वो कीमती हीरा है जिसकी चमक तो वक्त के साथ और भी बढ़ती जा रही है। 2 दशक से भी लंबे करियर में विजय राज ने कई ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। लोग उन्हें आज भी मूवी रन में निभाए कौवा बिरयानी के किरदार से याद करते हैं। 2 साल पहले संजय लीला भंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी में एक ट्रांसजेंडर के रोल में दिखे और सभी को चौंका दिया, और अब चंदू चैंपियन में चंदू का साथ देते दिखे और इस इतने से रोल में ही वो पूरी मूवी में छा गए। कड़ी मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती और ये बात विजय राज ने अच्छे से साबित की। जिन्हें लगता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ नेपोटिज्म का डंका बजता है, उनकी आंखें विजय राज की कहानी से जरूर खुल जाएंगी। विजय राज सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी दमदार आवाज के दम पर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में छाए हुए हैं। विजय राज की एक्टिंग में इतने रंग हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। विजय राज आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत ही दुख भरे दिन और बहुत ही हिम्मत वाली दिन भी बिताए। फिल्म कंपेनियन के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बायोग्राफी में उन दिनों के बारे में बताया था जब वो और विजय राज रूममेट थे और हालत इतनी खराब थी कि पार्ले जी बिस्किट खाकर गुजारा करते थे। लेकिन विजय राज ने खुद कभी अपनी स्ट्रगल या मुश्किल भरे दिनों के बारे में कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। नवाज ने बताया था कि उनके और विजय राज के दिन इतने खराब थे कि वो नाश्ते से लेकर लंच और डिनर भी सिर्फ पार्ले जी बिस्किट और चाय के साथ ही किया करते थे, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे कि खाने का जुगाड़ कर सके। फिर वो वक्त भी आया जब बिस्किट भी निपट गए। विजय राज पढ़ाई में अच्छे थे, उन्होंने दिल्ली से स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। क्योंकि एक्टिंग का चस्का था, कलाकार आदमी बनना था, इसलिए विजय राज कॉलेज में ही थिएटर ग्रुप में जुड़ गए। वो छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेने लगे। कॉलेज खत्म होते होते विजय राज के मन में एक्टर बनने का ख्वाब पूरा रूप ले चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके एक्टर बनकर रहेंगे। एक्टर बनने का ख्वाब आंखों में लिए विजय राज मुंबई आ गए। मुंबई आने से पहले विजय राज ने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रिपेटोरी कंपनी में काम किया। इसी के दौरान नसीरुद्दीन शाह की पहली मुलाकात विजय राज से हुई। नसीरुद्दीन शाह ने ही विजय राज का नाम भोपाल एक्सप्रेस के लिए सुझाया। ये 1999 की बात है। नसीरुद्दीन शाह उस वक्त भोपाल एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह की बदौलत विजय राज को इस मूवी में काम भी मिला। इस तरह विजय राज ने 1999 में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 2000 में आई राम गोपाल वर्मा की मूवी जंगल से करियर की काया पलट हो गई। उन्होंने मानसून,
वेडिंग, कंपनी, पांच रोड, युवा, डेली बेली और स्त्री समेत दर्जनों फिल्में करी। हर मूवी में विजय राज के निभाए किरदार ने ऑडियंस के दिलों में अलग जगह बनाई और आज चंदू चैंपियन के साथ साथ भी वो अपना जलवा दिखा ही रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोगों का मानना है कि विजय राज की कास्टिंग अच्छी नहीं हुई। विजय राज की कास्टिंग भी यहाँ इसलिए ठीक नहीं कही जा सकती क्योंकि वो इसके पहले फिल्म शाबाश मिट्ठू में तापसी पन्नू के कोच का किरदार निभा चुके हैं। उन्हें कार्तिक आर्यन के कोच की भूमिका में देखने पर बार बार वो फिल्म याद आती रहती है। विजय राज के साथ दिक्कत ये भी है कि उनका एक खास किस्म का खुद पर गुरूर उन्हें खुद को किरदार में खोने नहीं देता। वो किरदार को ओढ़ने की बजाय किरदार को विजय राज ओढ़ा देते हैं और ये किसी भी कलाकार के लिए खतरे की निशानी से कम नहीं है। मूवी चंदू चैंपियन देखने का जो दूसरा वजह है वो ये साथी कलाकार नहीं बल्कि मूवी की शूटिंग में की गई इसके प्रोडक्शन डिजाइन टीम की मेहनत, और तीसरा कारण है कबीर खान का निर्देशन। अब तो ये साफ है कि कार्तिक हो या फिर विजय राज, ये दोनों ही आउटसाइडर रहे हैं और दोनों ने ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डंका जमा लिया है। तो ये क्लियर है कि कभी भी लोग आउटसाइडर या इनसाइडर को लेकर बात ना करें तो अच्छा है। अगर आप में टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वहीं बात करें राजपाल यादव की तो कहने को मूवी चंदू चैंपियन में विजय राज, राजपाल यादव, भुवन अरोरा, यशपाल शर्मा, श्रेयस तलपड़े और सोनाली कुलकर्णी जैसे मंझे हुए कलाकारों की पूरी फौज है। लेकिन इन कलाकारों का मूवी में एपिसोडिक इस्तेमाल इन्हें मूवी के मददगार रूप में स्थापित नहीं होने देता। यादव का कॉमेडी एंगल भी काफी वीक लगा, लेकिन हाँ, चंदू चैंपियन की डेब्यू ट्रैक सत्यानाश के हुकअप स्टेप्स को बखूबी निभाते हुए इंटरनेट पर धूम मचा दी इन्होंने। उनके कॉमेडी फैक्टर आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि यादव को तीन डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाया था। साल 2007 में राजपाल यादव की मूवी आई थी ढोल। मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चली लेकिन समय का चक्का चला और मूवी पॉपुलर होती चली गई। राजपाल का कैरेक्टर मार्तंड यादगार हो गया। वो मार्तंड जो रीतु को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा था, वो मार्तंड जो अपने मामा के अंगूठे के नीचे दबकर झील गया था, वही मार्तंड जो दुकान का नाम थूक सुझाता था। ढोल की बात अचानक से इसलिए हो रही है क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बनने वाला है। हाल ही में राजपाल यादव द लल्लन टॉप के न्यूज रूम में पधारे थे, वहां उन्होंने अपनी लाइफ और करियर पर भी बात की। इसी बातचीत में ढोल का जिक्र छिड़ा। राजपाल ने बताया कि मूवी के दूसरे पार्ट की कहानी तैयार थी और वो पहले पार्ट से भी बेहतर है। राजपाल ने इस बारे में कहा, प्रियन जी यानी प्रियदर्शन जी कभी भी अपनी फिल्मों के सीक्वल बनाने के पक्ष में नहीं रहते। जब वो हंगामा 2 बना रहे थे तब मुझसे कहा कि पहली मूवी है जिसका दूसरा पार्ट बनाना चाहता हूँ, वो है ढोल 2। ढोल 2 की कहानी सुनने के बाद जाना कि इसकी कहानी ढोल 1 से कई ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। प्रियदर्शन जी अभी 2024 से 25 तक बहुत ही ऑक्यूपाइड है। मैं कई बार ढोल 2 का जिक्र कर चुका हूँ, इस पर वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है। राजपाल ने आगे बताया कि ढोल 2 की कहानी तैयार है, उन्हें अगर मौका मिला तो वो ये मूवी जरूर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 साल तक सब बिजी हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उसके बाद प्रियदर्शन फिल्म पर काम स्टार्ट कर देंगे। प्रियदर्शन जी के साथ फिर से काम करने का मौका मिले इसे राजपाल जाने भी नहीं देंगे। वो अपने करियर में 3 लोगों के योगदान को सबसे अहम मानते हैं। पहले हैं राम गोपाल वर्मा जिन्होंने उन्हें जंगल जैसी फिल्म दी। वो कहते हैं कि उसी मूवी ने मुझे एस्टैब्लिश किया था बॉलीवुड में। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रियदर्शन जी जिन्होंने उन्हें हंगामा दी। हंगामा में दोनों का सुरताल कुछ ऐसा बैठा कि उसके बाद भागम भाग, ढोल, चुप चुप के और भूल भुलैया जैसी फिल्में दे डाली। तीसरे नंबर पर आते हैं डेविड धवन जिन्होंने राजपाल को छोटा डॉन बना दिया। वरुण धवन ने भी दी कपिल शर्मा के शो में एक एपिसोड में बताया था कि उनके पिता राजपाल यादव को बहुत ही मानते हैं। वो सेट पर आकर यही पूछते हैं कि राजपाल कहाँ है, उन्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट किया करते हैं वो। राजपाल अपनी फिल्मी करियर बनाने के लिए इन्हीं 3 डायरेक्टर्स का एहसान मानते हैं।
चंदू चैंपियन के बाद राजपाल यादव और कार्तिक की जोड़ी हमें एक बार फिर देखने को मिलेगी। कार्तिक आर्यन और राजपाल यादव ने हाल ही में भूल भुलैया 3 के सेट से एक मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो रू बाबा और छोटे पंडित के अंदाज में चंदू चैंपियन का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्तिक को आइकॉनिक रू बाबा की पोशाक में दिखाया गया है, उनके साथ राजपाल यादव भी छोटे पंडित अवतार में। दोनों अभिनेता मूवी के अपने सिग्नेचर लुक में हैं, एक स्लीक ब्लैक रेंज रोवर के बगल में खड़े हैं। असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपनी अंदर की आवाज को हराने में, जो रोज आपसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना जरूरी है। अगर आप ये कर पाए तो आप भी अपनी जिंदगी में चैंपियन बन सकते हो। हमारे देश को पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले मुरलीकांत पेटकर ने भी अपने अंदर की आवाज को हराते हुए ये कर दिखाया, और हम भी ये कर सकते हैं। कैसे करें इस बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो थिएटरों में लगी कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन देख लीजिए। चंदू चैंपियन एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस कहानी के बारे में बताना भी उतना ही जरूरी है। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े इंसान से जो खुद को मुरलीकांत पेटकर बताता है। अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में आया है। ये आदमी कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ट्रीटिंग का केस करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं दिया। और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1952 में स्वतंत्र भारत को ओलंपिक के इंडिविजुअल गेम में पहला मेडल दिलाने वाले खाशाबा जाधव की स्वागत यात्रा देख अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठ कर इस जश्न में शामिल हुआ छोटा मुरली तय कर लेता है कि उसे भी खाशाबा जैसा चैंपियन बनना है। सांगली के इस्लामपुर में रहने वाले इस मुरली को न तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था और न ही पापा की तरह टेलरिंग में। चैंपियन बनने का सपना देखने वाले इस बच्चे को सही डायरेक्शन मिलती है दारा सिंह की कुश्ती देखकर। चंदू उन्हें गुरु मान लेता है और फिर इस्लामपुर के अखाड़े में उसकी तालीम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस छोटे मुरली को शुरुआत में किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, उसे लोग चंदू चैंपियन कहते हुए चढ़ाते हैं। मुरलीकांत पेटकर को चैंपियन बनने का इंटरेस्ट सफर जानने के लिए थिएटर में जाकर आपको कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन तो जरूर देखनी चाहिए। साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान ने एक ऐसे हीरो की कहानी में हमें बताई है जिसके योगदान को हमारा देश भूल गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन में देश के प्रेसिडेंट पर चीटिंग का केस करने पहुंचे मुरलीकांत पेटकर पर एक न्यूज रिपोर्टर ने रिसर्च किया। अखबार में देखे आर्टिकल की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और देश के इस चैंपियन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इतिहास के पन्नों में खो गए इस इंडियन सुपर हीरो की मूवी कबीर खान ने बड़ी ही ईमानदारी से बनाई। 2 घंटे 23 मिनट की ये मूवी ने न सिर्फ आपका मनोरंजन करती है बल्कि ये आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। अगर शरीर में 9 गोलियां लगने के बावजूद मुरलीकांत पेटकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो हम भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास के साथ आप थिएटर से बाहर निकलते हैं। जाहिर है इसका श्रेय साजिद नाडियाडवाला, कबीर खान और कार्तिक आर्यन को ही देना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही ये कहा था कि ये मूवी कबीर खान ने बड़ी ही ईमानदारी से बनाई है, क्योंकि इस मूवी में कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है। कबीर खान दिखा सकते थे कि मुरलीकांत पेटकर को दुश्मनों पर गोलियां चलाते हुए और उनके साथ लड़ते हुए 9 गोलियां लगी, लेकिन मूवी में उन्होंने दिखाया कि बैटल फील्ड पर अपने गुरु को पानी पिलाने के लिए पानी ढूंढने वाले मुरलीकांत को पीछे से दुश्मन की गोलियां लगी। कबीर खान ने सुमित अरोरा और सुदीप्तो सरकार के साथ मिलकर इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है और उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ये स्क्रीन प्ले ऑडियंस को आखिर तक बांध कर रखे। सेकेंड हाफ में मूवी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिना रोमांस बिग बजट फिल्म बनाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, और कबीर खान ने यह चैलेंज बखूबी निभाया है। मूवी में ना तो रोमांटिक गाना है और ना ही रोमांस का तड़का, फिर भी ये मूवी हमें बोर नहीं करती। स्पोर्ट्समैन की बायोपिक में जाहिर सी बात है कि क्लाइमेक्स बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शक दे इंडिया और हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन की मैदान
दोनों फिल्मों में मैच का अंजाम पता होने के बावजूद हम जिस तरह से आखिरी सीन में एक्साइटेड नर्वस होते हैं, ठीक वही फीलिंग चंदू चैंपियन के क्लाइमैक्स यानी एंड में भी आती है। रिजल्ट हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम फाइनल में पहुंच मुरली के लिए थिएटर में बैठकर परेशान होने लगते हैं। और वहीं कबीर खान अपनी परीक्षा में पास हो गए। कार्तिक आर्यन के साथ उन्होंने बड़े पर्दे पर कमाल करके दिखाया है। कार्तिक आर्यन को अब तक बड़े पर्दे पर रोमांस करते हुए देखा गया या फिर सोनू बनकर अपनी टीटू की लव लाइफ बर्बाद करते हुए। चंदू चैंपियन उनकी पहली बायोपिक है और मूवी देखने के बाद कहा जा सकता है कि ये कार्तिक की अब तक की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी है। मुरलीकांत पेटकर के एक्सप्रेशंस हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या फिर उनकी लैंग्वेज, कार्तिक को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ये किरदार बहुत ही अच्छे से जिया है। मूवी के हर पहलू पर कार्तिक की मेहनत हम इस मूवी में देख सकते हैं। सत्य प्रेम की कथा में कार्तिक ने एक गुजराती लड़के का किरदार निभाया था। उस मूवी में शानदार एक्टिंग की, एक्टिंग करने के बावजूद उनका गुजराती डायलॉग पूरी तरह से गड़बड़ा गया था, लेकिन चंदू चैंपियन में उन्होंने मराठी डायलॉग पर भी खूब काम किया। फिर वो चैंपियन को चैंपियन कहना ओ नहीं ना ही या फिर पहलवान को पहलवान, आमतौर पर स्पोर्ट्स मूवी में सिर्फ एक स्पोर्ट्स दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी में कार्तिक को तीन स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाया गया, कुश्ती, बॉक्सिंग और स्विमिंग। एक तरफ कार्तिक ने बॉक्सिंग के हैंड मूवमेंट के साथ साथ फुटवर्क पर अच्छा काम किया है, तो दूसरी तरफ वो बिना पैर हिलाए स्विमिंग भी करते नजर आए। इस मूवी से उन्होंने साबित कर लिया है कि वो कोई भी किरदार निभाने के लिए रेडी हैं। क्या केस है? सर, 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। अस्तर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। ए हंसते मैं को है पूरा गांव। सर मुझे एक मौका दो ना, मैं पहलवान है। दारा सिंह है क्या? उनका चेला है मैं। नाडियाडवाला और कबीर खान के कोलैबोरेशन के साथ बनी फिल्म चंदू चैंपियन अब बहुत ही जल्द रिलीज होने जा रही है, जिसे डायरेक्ट भी कबीर खान ने ही किया है। और इस फिल्म के अमेजिंग थ्रिलर और चार्टबस्टर सॉन्ग सत्यानाश और तू है चैंपियन इस वक्त पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं और सब इस वक्त कार्तिक आर्यन की ही बातें कर रहे हैं। और साथ ही फिल्म के बैक टू बैक प्रमोशन से भी फैंस के बीच एक्साइटमेंट वाला माहौल ना बनाए रखा है। और इसी प्रमोशन में अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, एक स्पेशल इवेंट जो आज के दिन दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है और वो भी खास तौर पर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया और हाई रैंकिंग ब्रिगेडियर्स के लिए। और इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट है मुरलीकांत पेटकर साहब, जिनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर ही इस फिल्म को बनाया गया है और जिन्होंने इंडिया को फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये खास इवेंट भी होने वाला है क्योंकि इस फिल्म को सबसे पहले वही देखने वाले हैं जिन पर ये फिल्म बनाई गई है और उनके साथ साथ बाकी के आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। तो ये चंदू चैंपियन की पूरी टीम के लिए एक प्राउड मोमेंट होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों, एक एथलीट का कैरेक्टर प्ले करने के लिए किसी भी एक्टर को खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और कार्तिक आर्यन का यही फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त उनके फैंस के बीच हॉट टॉपिक बना हुआ है। कार्तिक आर्यन ने पिछले 18 महीनों से इस रोल में फिट होने के लिए ट्रेनिंग ली है अपने ट्रेनर त्रिदेव पांडे के साथ और कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी इस ट्रेनिंग जर्नी को इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था, जिसमें वो बॉक्सिंग, मसल ट्रेनिंग और सुपर इंटेंस वर्कआउट सेशंस करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही डायरेक्टर कबीर खान का ये कहना है कि जब वो इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन से मिलने के लिए गए थे तब उन्होंने कार्तिक से कहा था कि उन्हें एक इंटरनेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स पर्सन का रोल प्ले करना होगा और इसलिए उन्हें बॉडी वेट गेन भी करना होगा। और वो जब उनसे पहली बार मिले तब उनका बॉडी फैट 39% था और उनकी इस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद उनका बॉडी फैट 7% हो गया है। और कबीर ने ये भी कहा कि कार्तिक की ये जर्नी भी किसी चैंपियन से कम नहीं है और साथ ही काफी इंस्पायरिंग भी है। और इस तरह से कार्तिक ने भी ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर का ही कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सीरियस कैरेक्टर भी प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि वो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है और साथ ही अगर अच्छा डेडिकेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, उन्होंने ये साबित कर दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है और क्या आप भी हमारी तरह चंदू चैंपियन के लिए एक्साइटेड है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या केस है? सर, 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। अस्तर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। पूरा गाँव।
सर मुझे एक मौका दो ना, मैं पहलवान है। दारा सिंह क्या? उनका चेला है मैं। बॉलीवुड के राइजिंग स्टार कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर देखने के बाद दिल तो एकदम खुशम खुश हो गया है। पर दोस्तों आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस ट्रेलर लॉन्च से पहले घाटकोपर में आई आंधी में कार्तिक के मामा और मामी की मौत हो गई। पर फिर भी कार्तिक ने अपनी पर्सनल चीजों को साइड में रखा और कहा द शो मस्ट गो ऑन। वैसे ट्रेलर तो डेफिनेटली इम्प्रेसिव है, पर इस फिल्म को लेकर भी ना हमें अभी थोड़ी सी चीजें ना डावाडोल नजर आ रही है। मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं लग रहा है, इसकी उम्मीद बढ़ चुकी है और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कार्तिक है। कार्तिक ने मुरलीकांत पेटकर जैसे वॉरियर चैंपियन पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सन के कैरेक्टर को मजबूती से पकड़ के रखा है और ट्रेलर इसकी गवाही देता है। और बायोपिक जैसा चैलेंज हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ अक्षय कुमार, विकी कौशल, राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी, एस चुनिंदा एक्टर्स ही ये करके दिखा सकते हैं। बाकी सब तो सिक्स पैक्स, एब्स, एक्शन और ग्लैमर में ही डूबे हुए हैं। और जहां वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे उनसे थोड़े से सीनियर एक्टर्स भी ऐसा कमाल नहीं कर सके, वो सिर्फ करण जौहर के सहारे चल रहे हैं। पर ये डावाडोल वाली बात हमने इसलिए कहा क्योंकि ये एक बायोपिक और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और बॉलीवुड में लगातार फिल्मों में देशभक्ति देखते करना हमारी आंखों को ना एलर्जी हो गई है। ऐसे में एक और ऐसी कहानी जिसमें लंगोट देखने के बाद कभी सुल्तान वाली वाइब आती है, कभी भाग मिल्खा भाग वाली वाइब आती है रनिंग शॉर्ट्स को देखकर। और फिलहाल ऑडियंस का माइंडसेट ऐसा है दोस्तों कि उन्हें क्लासी मासी एक्शन फिल्में देखने में ना ज्यादा मजा आता है। बड़े मियां छोटे मियां से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें पानी में पड़ गई। और उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि उसका एक्शन रियल था। और 2023 में जवान, पठान, एनिमल, गदर 2 ऐसी फिल्में देखने के बाद ऑडियंस की दिलचस्पी एक्शन फिल्मों में ना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। आजकल डायरेक्टर जबरदस्त कहानी प्लस एक्शन इस तरह के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके फिल्में बना रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में या फिर पैन इंडिया कैटेगरी में यही हिट फॉर्मूला है। और मैदान के रिस्पॉन्स के बाद प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी यही कहा था कि आजकल के लोगों को जवान, ट्रिपल आर जैसी फिल्में ही देखना पसंद है, शायद इसलिए मैदान नहीं चली। वैसे जवान, ट्रिपल आर जैसी फिल्मों में भी देशभक्ति वाला फ्लेवर था। ट्रिपल आर तो फ्रीडम फाइटर्स की ही कहानी थी, पर उसमें डायरेक्टर एस एस राजामौली का दिमाग था, एक्टर का पोटेंशियल था, मिर्च मसाला सारे इंग्रेडिएंट्स ऑडियंस को 3 घंटे बिठाने में कामयाब हुए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑडियंस की टेस्ट की बात आती है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है, वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है। उस तरह की फिल्में बनाना मेकर्स के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। इसलिए चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाती है इसे लेकर डंके की चोट पर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर कार्तिक को स्टैंडिंग ओवेशन तो मिलनी ही चाहिए उनके काम के लिए। कार्तिक ने बॉलीवुड में विदाउट एनी फिल्मी बैकग्राउंड, एनी एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग, अलग अलग किस्म के रोल किए हैं उन्होंने और अपना पोटेंशियल दिखाने की हर बार कोशिश की है, इसलिए वो लोगों के दिल में खास जगह बना पाए हैं। और लड़कियों के हार्ट थ्रोप तो वो है ही। तो ये फिल्म अगर हम देखने जाएंगे तो बस हमारे कार्तिक को देखने के लिए और उनके काम और कबीर खान का डायरेक्शन कैसा है ये देखने के लिए भी। अब एक्शन तो बड़े मियां छोटे मियां के लिए प्लस पॉइंट था, पर बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते ऐसी हालत हो गई थी। उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बच्चों की फिल्म लग रही थी। तो सब एक्शन पर नहीं होता, इसलिए अगर ये फिल्म एंगेजिंग हुई तो बहुत कमा सकती है। इसलिए चंदू चैंपियन हमें क्या अलग दे सकती है ये देखना चाहिए एक बार जरूर। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुश्मन क्या कर रहे, छोड़ मुझे मेरे मुल्क वापस जाने। चैंपियन गिरता है पर झुकता नहीं है और इसी झुके का नहीं साला एटीट्यूड के साथ भारत के एक अनसंग हीरो मुरलीकांत पेटकर ने जो कर दिखाया वही पर्दे पर दिखाने के लिए कार्तिक आर्यन हाजिर होने वाले हैं। तो कार्तिक की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन आ रही है 14 जून को। अब ये एक बायोपिक प्लस स्पोर्ट्स ड्रामा है। अब जब हम ये दो शब्द सुनते हैं तब हमारा एक ही रिएक्शन आता है कि बस भी करो, इतनी देशभक्ति दिखाकर बच्चे की जान लोगे क्या। और ऐसे में ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इसे किस तरह का रिस्पांस मिलेगा। तो देवी और सजनों, हम अमिताभ बच्चन का 50-50 वाला ऑप्शन देंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि फिल्म क्यों चल सकती है। नंबर 1, कार्तिक का बदला अंदाज। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के राइजिंग स्टार है। बॉलीवुड में बिना फिल्मी बैकग्राउंड, किसी के सहारे के बिना खुद की पहचान बनाना
वो भी करण जौहर बॉलीवुड में मौजूद होने के बावजूद भी। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों को हिट करने की स्ट्रैटेजीज बनाने के बजाय आउटसाइडर्स को कैसे आउट करें इसकी स्ट्रैटेजीज ज्यादा बनाई जाती होंगी। पर अभी ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि वे आउटसाइडर को और उसमें भी टैलेंटेड बंदे जैसे राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना हो, कार्तिक को देखना चाहते हैं। शायद बाकी एक्टर्स या करण जौहर के लाडले एक्टर्स जिनके लिए वे फादर फिगर हैं, उन्हें बस पसीना बहाना पता होगा। पर कार्तिक जैसे एक्टर को खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और इस खून और पसीने की कीमत को तुम क्या जानो जौहर बाबू। दूसरी बात ये कि फिल्म पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी। उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था पर उनकी मौत हो गई और उसके बाद कबीर खान और ये फिल्म एक कार्तिक को दे दी। तो ये देखकर भी कुछ लोग इस फिल्म की तरफ खुश हैं क्योंकि सुशांत के बाद किसी आउटसाइडर को ही ये मौका दिया गया। तो लोग इसी वजह से और 14 जून यानी सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म रिलीज हो रही है इस इमोशन के साथ भी फिल्म देखने जा सकते हैं। और यहाँ कबीर ने दिमाग लगाया है कि कार्तिक जैसे आउटसाइडर को लेकर उन्हें लेने की वजह से लोग खुश होंगे क्योंकि सुशांत की डेथ के बाद कई फैंस बॉलीवुड से नाराज है नेपोटिज्म को लेकर। उसके बाद तो नेपोटिज्म की फिल्में बैन करने की मांग की जाती थी क्योंकि सुशांत जैसे टैलेंटेड बंदे को बॉलीवुड में अननेसेसरी स्ट्रगल करना पड़ता था, ये बात भी सामने आई थी। तो इन्होंने सुशांत के बाद किसी ऐसे एक्टर को कास्ट नहीं किया जो अभी तक अपना टैलेंट दिखा नहीं पाए और बस फादर फिगर के सहारे इंडस्ट्री में है, इसीलिए ये भी एक प्लस फैक्टर है इस फिल्म के लिए। तीसरी बात तो साफ है और हमारी नजरों के सामने और वो है कार्तिक का हार्ड वर्क। हड्डी पसली एक होना क्या होता है ये हमें कार्तिक को देखकर समझ आता है। मतलब कार्तिक इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेते वक्त पूरे कमिटेड थे। इतना ही नहीं बल्कि एक पॉइंट ऐसा था जिसमें वो बस ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। कई लोगों ने उन्हें नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा पर अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने अपने ट्रेनर पर भरोसा रखते हुए वेजिटेरियन डाइट प्लान ही चुना। 1.5 साल तक उन्होंने शुगर को हाथ भी नहीं लगाया और डिजर्ट को तो भूल ही जाओ। उन्हें अपने पसंदीदा डिशेज नहीं दिए जाते थे बल्कि थोड़ा सा खाना और पानी दिया जाता था। मतलब ये तो घोर अत्याचार है भाई। और उनके इसी सैक्रिफाइस का नतीजा हमारे सामने है। इसी वजह से भी ये फिल्म और ज्यादा चर्चे में आ गई जबकि बॉलीवुड प्रेमियों को बायोपिक बोर कर रही है और रिसेंटली मैदान देखने में तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। चौथी बात ये कि फिल्म के ट्रेलर में हमने एक सीन देखा जिसमें कार्तिक बूढ़े अंदाज में नजर आ रहे हैं। ओल्ड मुरलीकांत पेटकर बनकर वे कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करूंगा और कुछ मेडल्स भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, इसकी क्या रियलिटी थी, 9 गोलियां खाने के बाद एक वॉरियर चैंपियन बॉक्सर बनने के बाद भी ऐसा क्या हुआ, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तो अर्जुन अवार्ड खेल की कैटेगरी में दिए जाने वाले दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1982 में मुरलीकांत पेटकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि वो अर्जुन अवार्ड के हकदार है। उनकी बात को खारिज कर दिया गया। मुरली को ठेस पहुंची, उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। इस बेरुखी के बाद को उन्होंने अपने सारे मेडल सर्टिफिकेट्स जमा किए, उनका गटर बनाया और एक कोने में धर दिया। खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। हालांकि उसके बाद उन्हें सहारा दिया गया पर ये बस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या क्या छुपा है और ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा जो कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड कर सकता है। वैसे फिल्म के प्रमोशनल कॉन्टेंट में फिल्म के गाने भी शामिल होते हैं। अब इस फिल्म के गाने सत्यानाश में अगर आप देखें तो उस गाने की ट्यून और बीट्स बिल्कुल रणबीर कपूर की जग्गा जासूस के गाने गलती के मिस्टेक की तरफ लग रहे हैं। और गाने का जो लुक है वो फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग के गाने हवन करेंगे जैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉपीड है ऐसा भी लग रहा है और फैंस ने इसे पकड़ भी लिया है और इसमें कुछ नया नहीं है, इसीलिए इसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है। अगली बात है कबीर खान जो कि बजरंगी भाईजान जैसी इमोशनल फिल्म बनाने में माहिर है।
तो वहीं एक था टाइगर जैसी एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म। दो अलग ऑपोजिट जॉनर की ये महारथी हैंडल कैसे करते हैं ये खुद ही जानते हैं, पर चंदू चैंपियन एक बायोपिक है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और ऐसे तो उन्होंने 83 के साथ भी किया था, पर 83 में उनका डायरेक्शन कुछ खास नहीं था। वे इंटरेस्टिंग इम्प्रेसिव एलिमेंट्स उसमें थे, फिल्म काफी बोरिंग लगती है। ना फिल्म के गाने अच्छे थे, ना फिल्म के सीन्स उतने दमदार, और कास्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी रणबीर सिंह को छोड़कर, जिस वजह से भी वे कबीर की फिल्म लग नहीं रही थी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। इसलिए इस बार भी ऐसा कुछ ना हो ये थोड़ा सा डाउट तो जरूर होगा, पर कबीर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। और अगेन एक्शन मासी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी बायोपिक का आना ये कोई नई बात नहीं है, पर फिल्मों में भी अगर नई बात नहीं होगी तो ऑडियंस आगे चलकर बायोपिक्स को बैन ही ना कर दे। अब चंदू चैंपियन को लेकर एक उम्मीद कार्तिक ने जगाई है, पर फिल्म के अंदर क्या कंटेंट है, उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वे कितनी इमोशनली एंगेजिंग है, इस पर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ डाउटफुल पॉइंट्स की वजह से अभी तो 50-50 पॉसिबिलिटी हमारे सामने है इस फिल्म को लेकर, इसके सक्सेस को लेकर, पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वेल, आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। आज के बाद कोई ना आ जाएगा मुझ पे, खाली आज जाएंगे। अरे ये तो चंदू चैंपियन है, चंदू नहीं चैंपियन। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के चार्मिंग ही नहीं बल्कि बिजीएस्ट एक्टर्स में से एक है। इस बंदे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा ही है, और ये कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जिस पर इन्हें मिथुन दा वाला ग्रैंड सैल्यूट देने का मन भी करता है, क्योंकि ये डायरेक्टर को ज्यादा परेशान ना करते हुए वन शॉट में अपना सारा काम रफा दफा करते हैं और उसमें जरा सी भी गलती से मिस्टेक नहीं करते, और यही तो किया है उन्होंने फिल्म चंदू चैंपियन के साथ भी। इसलिए तो डायरेक्टर कबीर खान की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब वे कौन सी टेंशन थी, कार्तिक ने उसमें क्या किया, आइए बात करते हैं। दरअसल इस फिल्म में एक वॉर सीक्वेंस होने वाला है, वह भी 8 मिनट का। इससे जुड़े पोस्टर्स हमने देखे होंगे जिसमें कार्तिक वॉरियर के अंदाज में हाथ में मशीन लेकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब एक वीडियो भी शेयर किया है इसके बिहाइंड द सीन्स के। उसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की वैली में किस तरह डायरेक्टर कबीर खान, उनकी टीम, कार्तिक और पूरा क्रू मौजूद है इस वॉर सीक्वेंस के लिए, जिसमें कबीर कार्तिक को सीन समझाते नजर आते हैं, माइक पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार्तिक और उनकी टीम फायरिंग कर रही है, साथ ही ब्लास्ट भी दिखाए जा रहे हैं। और फाइनल जब कार्तिक को, यानी कि जो कैरेक्टर निभा रहे हैं मुरलीकांत पेटकर जी का, उन्हें उस वॉर सीक्वेंस को में कैसे गोलियां लगती हैं, इसे भी वहां शूट किया गया। अब ये पूरा माजरा देखते हुए उनकी मेहनत तो सामने दिखाई दे रही है, पर 8 मिनट के वॉर सीक्वेंस को उन्होंने सिंगल शॉट में शूट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 9000 फीट समंदर लेवल के ऊपर एक आर्मी कैंप बिल्ट किया गया। इस सीक्वेंस के रिहर्सल के लिए टोटल 4-5 दिन गए, और छठे दिन इसकी शूटिंग की गई। इस इंटेंसिव रिहर्सल्स में कार्तिक के साथ साथ एक्टर विजय राज जैसे नामी एक्टर भी थे, तो एक दिन में इन्होंने ये सीन कंप्लीट भी किया, वह भी 300 सोल्जर्स के साथ, और उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर के एसेंस को पकड़ने की कोशिश भी की, जो हमें पर्दे पर देखने को मिलेगी। अब मुरलीकांत पेटकर जी की जिंदगी की सबसे भयानक पल शूट करना कबीर के लिए टेंशन की बात थी, पर कार्तिक की वजह से तो वो परफेक्ट और सिंगल शॉट में शूट भी हो गया, और इससे कबीर की बड़ी टेंशन दूर भी हो गई। वैसे भी कार्तिक वन टेक शॉट देने में माहिर थे, और क्योंकि उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग में उन्होंने एक शॉट में शूट किया, उसके बाद वे किंग ऑफ मोनोलॉग कहलाने लगे, और अब इतना बड़ा सीक्वेंस, वाओ। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। वैसे बॉलीवुड में ऐसे कम एक्टर्स हैं जो वन शॉट दे सकते हैं, इसमें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो आना ही चाहिए। एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने के साथ साथ उन्होंने एक गाने में भी सिंगल शॉट दिया था, जैसे उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक में। उसके बाद विकी कौशल जिन्होंने डंकी में अपने कुछ इमोशनल सीन्स सिंगल टेक में दिए थे। फिर शाहरुख खान का चक दे इंडिया वाला 70 मिनट का वो मोटिवेशनल डायलॉग, वो भी सिंगल टेक में ही शूट हुआ था। और आपको हैरानी होगी, पर आपके कानों पर यकीन रखिए, क्योंकि वॉर में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस को
भी टाइगर श्रॉफ ने एक सिंगल टेक में शूट किया था एंड वी आर नॉट इवन जोकिंग। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे क्रूशियल सीक्वेंस सिंगल टेक में आज तक किसी ने भी फिल्म में शूट नहीं किए और ना किसी एक्टर के जरिए ऐसा हो पाया। और अब ये BTS वीडियो शेयर करने के बाद फैंस जरूर इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सच में कार्तिक इस बायोपिक को जस्टिस देने की कोशिश कर चुके हैं, तो उनकी जीतोड़ मेहनत को नजर में रखते हुए कोई इग्नोर ना कर सके और इस चीज के लिए लोग फिल्म में जरूर इंटरेस्ट दिखाएं। पर दोस्तों, उन्होंने जो 1965 का वॉर सीक्वेंस रिक्रिएट किया उसकी रियल स्टोरी क्या है? दरअसल 1965 मुरलीकांत जी 20 वर्ष के हो चुके थे और इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट भी हुई। वहां गए मुरली ने ऐलान कर दिया कि वो मेडल जरूर जीतेंगे। नाम रोशन कर अपने बेस कैंप पर वापस लौटे जो था सिकंदराबाद में, पर वो जानते नहीं थे कि अब उनकी जिंदगी के पहले से भी बड़ा टर्निंग प्वाइंट आने वाला है। इनाम के तौर पर सीनियर्स ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। अब साल 1965 की बात है, महीना था सितंबर, मुरली सियालकोट के आर्मी कैंप में थे। रोज का एक रूटीन सेट था, दोपहर खाने के बाद थोड़ी सी नींद ली जाती और फिर दोस्तों के साथ शाम को चाय के लिए उठते। पर एक दिन सब बदल गया जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला शुरू किया। लगातार हमले हो रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान बदल कर रख दी। उन्हें 9 गोलियां लगी, एक गाल, जांग और सिर पर, जबकि एक गोली उनकी रीढ़ में आज भी है। हमले के बीच कैंप में भगदड़ मच गई और एक आर्मी जीप उन्हें रोदगर निकाल कर ले गई। मुरलीकांत को वहां से अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गोलियों और चोटों लगने की वजह से कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया गया। ऐसे भी कहा जा रहा था कि उनकी याददाश्त चली गई, फिर बाद में वापस आई। कई जगहों पर ऐसा पढ़ने को मिला कि मुरलीकांत एक दिन हॉस्पिटल के बेड से गिर गए, तब उनकी याददाश्त लौट आई। पर ये हुआ कैसे, अब ये कोई भी नहीं जानता। पर ये सब जितना आसान दिखता है उतना आसान था नहीं। पर ये सब सुनने में जितना खतरनाक लगता है, उम्मीद करते हैं कि कबीर ने उसे ऐसे ही प्रेजेंट किया होगा जिसमें हर मोमेंट में हमें गूज़बम्स ही आए। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। तूने चैंपियन है मैं। वैसे शुरू के बादशाह अरिजीत सिंह का कोई भी गाना आंखें बंद करके सुनना, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है। पर आंखें खुली रखकर पीछे अरिजीत की आवाज और पर्दे पर कार्तिक आर्यन का धाकड़ अंदाज देखने वाले, मतलब अरिजीत प्लस कोकी कार्तिक का निकनेम इज इक्वल टू डांस कोरियोग्राफर मुद्दसर खान की भाषा में चिक चिक बूम फायर होता है। वैसे कार्तिक की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन के अभी दूसरे रिलीज गाने तू ही चैंपियन का टीजर तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी, पर पूरा गाना फायर है, फायर। तो उस गाने की शुरुआत में ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो बोला गया है कि चैंपियन गिरता है पर कभी झुकता नहीं, असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है बल्कि असली जीत तुम्हारे अंदर की उस आवाज को हराने में है जो तुम्हें हर रोज कहती है तुम पहले से हार चुके हो। क्योंकि अगली फ्रेम में हम विजयराज और कार्तिक को देखते हैं जो उर्फ मुरलीकांत पेटकर और कार्तिक से पूछते हैं कि तू बनेगा चैंपियन, जिस पर रोते हुए कार्तिक का हाँ बोल देते हैं। और उसमें अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक की बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे हो रही है। इसमें कार्तिक अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए भी नजर आते हैं, कभी वेट लिफ्टिंग डंबल्स उठाते नजर आते हैं। तो ये गाना ओवरऑल उनके हार्डवर्क, डेडिकेशन और जीरो कॉन्फिडेंस से लेकर एक कॉन्फिडेंट बंदा और बॉक्सर बनने तक की छोटी सी झलक दिखाई देती है। वैसे कार्तिक की जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें हम देखते हैं और वहां भी विजय राज ही उन्हें गाइड करते हैं और ये रोता हुआ बंदा प्रैक्टिस, डेडिकेशन, पैशन के दम पर चैंपियन बनने की ओर अपने कदम इतनी तेजी से बढ़ाता है कि बॉक्सिंग रिंग में वो जीत हासिल करता है। तो ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और उसमें अरिजीत सिंह की आवाज और उसमें भी प्रीतम का म्यूजिक यानी सोने पे सुहागा। वैसे कार्तिक के डेडिकेशन को ग्रैंड सल्यूट तो है ही, पर अपनी लवर ऑफ क्रिकेटर और लवर ऑफ करेक्टर वाली इमेज को तोड़कर उन्होंने एक एथलीट बनकर एक चैलेंजिंग रोल निभाया है और
उसमें उनकी कड़ी मेहनत की तो क्या ही बात करें। और मेकर्स भी तो ये चाहते हैं कि फैंस कार्तिक की मेहनत देखें और चंदू चैंपियन देखें। 14 जून को थिएटर्स में पहुंचे तो मुरलीकांत पीटकर जैसे एक वॉरियर चैंपियन बॉक्सर और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले इंडियन शख्स के कैरेक्टर पर कार्तिक खूब जचेंगे। देखते हैं फिल्म आने वाले वक्त में क्या 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 हासिल करती है। बोले आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching. संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका। ब्रह्मचारी लड़कों का जैसे। कार्तिक आर्यन की मोस्ट स्पेशल मूवी का फर्स्ट एवर सॉन्ग सत्यानाश आ गया है जिसे शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा है, प्रेजेंटिंग माय फर्स्ट ट्रेन सॉन्ग डेडिकेटेड टू ऑल द पटोसीज, दिस विल मेक यू डांस एंड योर पटोटीज टू। और उनकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये गाना ही ऐसा है जो आपको डांस करने पर मजबूर कर देता है। और साथ ही इस गाने की ये भाई देखकर हमेशा लग रहा है कि जैसे चंदू चैंपियन सभी मुसीबतों और तानों से दूर जा रहा है और इस गाने के जरिए वो चिल आउट करने की कोशिश कर रहा है। और ये गाना सुनकर भले ही लिरिक्स एक बार में समझ ना आए लेकिन गाना ऐसा है जिसे हम दूसरी बार सुनना भी पसंद करेंगे और साथ ही इसे सुनकर मजे भी बहुत आ रहे हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी कूल समर सॉन्ग जिसमें वाइब तो है। इसके साथ ही ये गाना हमें चंदू चैंपियन की लव लाइफ में ले जाता है लेकिन जैसे ही ट्रेन के साथ साथ गाना भी आगे बढ़ता है वैसे ही चंदू चैंपियन और उसके सभी कंपेनियंस के डांस मूव्स और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं एंड कार्तिक इज डांसिंग लाइक नोबडी इज वॉचिंग। साथ ही तरुण के ऊपर चढ़कर डांस करना यानी किंग खान के चल छैया छैया की याद दिलाना जो काफी अच्छा पार्ट था। इस गाने को गाया है अरिजीत सिंह, नकाज अजीज और देव नेगी ने जिसके लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और ये सारे ही नाम ऐसे हैं जो इस गाने को इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं। साथ ही ये गाने लाइफ की परेशानियों से दूर उसको एंजॉय करने की बात करता है। इसके साथ ही कबीर खान की डायरेक्टर और रिटन ये मूवी कार्तिक आर्यन के साथ उनका फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन भी है जो लास्ट ईयर कियारा आडवाणी के साथ सत्यप्रेम की कथा में आए थे और साथ ही उन्होंने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार में कैमियो अपीयरेंस भी दिया था। और चंदू चैंपियन के बाद उनके पास करण जौहर के साथ एक अनटाइटल प्रोजेक्ट भी लाइंड अप है। चंदू चैंपियन जो मुरलीकांत पेटकर जो इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन फ्री स्टाइल स्विमिंग है उनकी स्टोरी पर बेस्ड है जिन्होंने इंडिया का नाम ओलंपिक्स में तो रोशन किया ही लेकिन साथ ही वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जंग में एक बहादुर सैनिक की तरह लड़े भी। और उनकी स्टोरी हर एक चंदू के लिए जिसने चैंपियन बनने का सपना देखा। तो क्या आपने ये गाना सुना और आपको इस मूवी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। आज के बाद कोई नया जगह मुझ पे खाली आज जाने दो। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। चंदू नहीं, चैंपियन। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के चार्मिंग ही नहीं बल्कि बिजीएस्ट एक्टर्स में से एक है। इस बंदे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा ही है और ये कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जिस पर इन्हें मिथुन दा वाला ग्रैंड सैल्यूट देने का मन भी करता है क्योंकि ये डायरेक्टर को ज्यादा परेशान ना करते हुए वन शॉट में अपना सारा काम रफा दफा करते हैं और उसमें जरा सी भी गलती से मिस्टेक नहीं करते। और यही तो किया है उन्होंने फिल्म चंदू चैंपियन के साथ भी। इसलिए तो डायरेक्टर कबीर खान की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई। अब वे कौन सी टेंशन थी, कार्तिक ने उसमें क्या किया, आइए बात करते हैं। दरअसल इस फिल्म में एक वॉर सीक्वेंस होने वाला है वह भी 8 मिनट का। इससे जुड़े पोस्टर्स हमने देखे होंगे जिसमें कार्तिक वॉरियर के अंदाज में हाथ में मशीन लेकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक वीडियो भी शेयर किया है इसके बिहाइंड द सीन्स के। उसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की वैली में किस तरह डायरेक्टर कबीर खान, उनकी टीम, कार्तिक और पूरा क्रू मौजूद है इस वॉर सीक्वेंस के लिए जिसमें कबीर कार्तिक को सीन समझाते नजर आते हैं, माइक पर इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कार्तिक और उनकी टीम फायरिंग कर रही है, साथ ही ब्लास्ट भी दिखाए जा रहे हैं। और फाइनल जब कार्तिक को यानी कि जो कैरेक्टर निभा रहे हैं मुरलीकांत पेटकर जी का, उन्हें उस वॉर सीक्वेंस को मैं कैसे गोलियां लगती हैं, इसे भी वहां शूट किया गया। अब ये पूरा माजरा देखते हुए उनकी मेहनत तो सामने दिखाई दे रही है पर 8 मिनट के वॉर सीक्वेंस को उन्होंने सिंगल शॉट में शूट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। 9000 फीट समंदर लेवल के ऊपर एक आर्मी कैंप बिल्ड किया गया। इस सीक्वेंस के रिहर्सल के लिए टोटल
चार से पांच दिन गए और छठे दिन इसकी शूटिंग की गई। इस इंटेंसिव रिहर्सल्स में कार्तिक के साथ साथ एक्टर विजय राज जैसे नामी एक्टर भी थे, तो एक दिन में इन्होंने ये सीन कंप्लीट भी किया, वह भी 300 सोल्जर्स के साथ। और उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान वॉर के एसेंस को पकड़ने की कोशिश भी की, जो हमें पर्दे पर देखने को मिलेगी। अब मुरलीकांत पेटकर जी की जिंदगी की सबसे भयानक पल शूट करना कबीर के लिए टेंशन की बात थी, पर कार्तिक की वजह से तो वो परफेक्ट और सिंगल शॉट में शूट भी हो गया और इससे कबीर की बड़ी टेंशन दूर भी हो गई। वैसे भी कार्तिक वन टेक शॉट देने में माहिर थे, और क्योंकि उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा के मोनोलॉग में उन्होंने एक शॉट में शूट किया, उसके बाद वे किंग ऑफ मोनोलॉग कहलाने लगे। और अब इतना बड़ा सीक्वेंस, वाओ, क्या पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। वैसे बॉलीवुड में ऐसे कम एक्टर्स हैं जो वन शॉट दे सकते हैं, इसमें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो आना ही चाहिए। एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने के साथ साथ उन्होंने एक गाने में भी सिंगल शॉट दिया था, जैसे उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक में। उसके बाद विकी कौशल जिन्होंने डंकी में अपने कुछ इमोशनल सीन्स सिंगल टेक में दिए थे। फिर शाहरुख खान का चक दे इंडिया वाला 70 मिनट का वो मोटिवेशनल डायलॉग, वो भी सिंगल टेक में ही शूट हुआ था। और आपको हैरानी होगी, पर आपके कानों पर यकीन रखिए, क्योंकि वॉर में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस को भी टाइगर श्रॉफ ने एक सिंगल टेक में शूट किया था, एंड वी आर नॉट इवन जोकिंग। पर यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे क्रूशियल सीक्वेंस सिंगल टेक में आज तक किसी ने भी फिल्म में शूट नहीं किए और ना किसी एक्टर के जरिए ऐसा हो पाया। और अब ये BTS वीडियो शेयर करने के बाद फैंस जरूर इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सच में कार्तिक इस बायोपिक को जस्टिस देने की कोशिश कर चुके हैं, तो उनकी जीतोड़ मेहनत को नजर में रखते हुए कोई इग्नोर ना कर सके और इस चीज के लिए लोग फिल्म में जरूर इंटरेस्ट दिखाएं। पर दोस्तों, उन्होंने जो 1965 का वॉर सीक्वेंस रिक्रिएट किया, उसकी रियल स्टोरी क्या है? दरअसल 1965 मुरलीकांत जी 20 वर्ष के हो चुके थे और इसी साल टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विस स्पोर्ट्स मीट भी हुई। वहां गए मुरली ने ऐलान कर दिया कि वो मेडल जरूर जीतेंगे। नाम रोशन कर अपने बेस कैंप पर वापस लौटे, जो था सिकंदराबाद में। पर वो जानते नहीं थे कि अब उनकी जिंदगी के पहले से भी बड़ा टर्निंग प्वाइंट आने वाला है। इनाम के तौर पर सीनियर्स ने कुछ और ही प्लानिंग कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जम्मू और कश्मीर भेज दिया गया। अब साल 1965 की बात है, महीना था सितंबर, मुरली सियालकोट के आर्मी कैंप में थे। रोज का एक रूटीन सेट था, दोपहर खाने के बाद थोड़ी सी नींद ली जाती और फिर दोस्तों के साथ शाम को चाय के लिए उठते। पर एक दिन सब बदल गया जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला शुरू किया। लगातार हमले हो रहे थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की पहचान बदल कर रख दी। उन्हें 9 गोलियां लगी, एक गाल, जांघ और सिर पर, जबकि एक गोली उनकी रीढ़ में आज भी है। हमले के बीच कैंप में भगदड़ मच गई और एक आर्मी जीप उन्हें रोदगर निकाल कर ले गई। मुरलीकांत को वहां से अस्पताल में एडमिट करवाया गया। गोलियों और चोटों लगने की वजह से कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया गया। ऐसे भी कहा जा रहा था कि उनकी याददाश्त चली गई, फिर बाद में वापस आई। कई जगहों पर ऐसा पढ़ने को मिला कि मुरलीकांत एक दिन हॉस्पिटल के बेड से गिर गए, तब उनकी याददाश्त लौट आई। पर ये हुआ कैसे, अब ये कोई भी नहीं जानता। पर ये सब जितना आसान दिखता है उतना आसान था नहीं। पर ये सब सुनने में जितना खतरनाक लगता है, उम्मीद करते हैं कि कबीर ने उसे ऐसे ही प्रेजेंट किया होगा जिसमें हर मोमेंट में हमें गूज़बम्स ही आए। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन, दुश्मन क्या कर रहे, छोड़ मुझे, मेरे मुल्क वापस जाना है। चैंपियन गिरता है पर झुकता नहीं है, और इसी झुके का नहीं साला एटीट्यूड के साथ भारत के एक अनसंग हीरो मुरलीकांत पेटकर ने जो कर दिखाया, वही पर्दे पर दिखाने के लिए कार्तिक आर्यन हाजिर होने वाले हैं। तो कार्तिक की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन आ रही है 14 जून को। अब ये एक बायोपिक प्लस पोज ड्रामा है। अब जब हम ये दो शब्द सुनते हैं तब हमारा एक ही रिएक्शन आता है कि बस भी करो, इतनी देशभक्ति दिखाकर बच्चे की जान लोगे क्या। और ऐसे में ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इसे किस तरह का रिस्पांस मिलेगा। तो देवी और सजनों, हम अमिताभ बच्चन का 50-50 वाला ऑप्शन देंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि फिल्म क्यों चल सकती है। नंबर वन, कार्तिक का बदला अंदाज। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के राइजिंग स्टार है। बॉलीवुड में बिना फिल्मी बैकग्राउंड, किसी के सहारे के बिना खुद की पहचान बनाना, वो भी करण जौहर बॉलीवुड में मौजूद होने के बावजूद भी,
ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों को हिट करने की स्ट्रैटेजीज बनाने के बजाय आउटसाइडर्स को कैसे आउट करें इसकी स्ट्रैटेजीज ज्यादा बनाई जाती होंगी। पर अभी ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि वे आउटसाइडर को और उसमें भी टैलेंटेड बंदे जैसे राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना हो, कार्तिक को देखना चाहते हैं। शायद बाकी एक्टर्स या करण जौहर के लाडले एक्टर्स जिनके लिए वे फादर फिगर हैं, उन्हें बस पसीना बहाना पता होगा, पर कार्तिक जैसे एक्टर को खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और इस खून और पसीने की कीमत को तुम क्या जानो जौहर बाबू। दूसरी बात ये कि फिल्म पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी, उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था पर उनकी मौत हो गई और उसके बाद कबीर खान और ये फिल्म एक कार्तिक को दे दी। तो ये देखकर भी कुछ लोग इस फिल्म की तरफ खुश हैं क्योंकि सुशांत के बाद किसी आउटसाइडर को ही ये मौका दिया गया। तो लोग इसी वजह से और 14 जून यानी सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म रिलीज हो रही है इस इमोशन के साथ भी फिल्म देखने जा सकते हैं। और यहाँ कबीर ने दिमाग लगाया है कि कार्तिक जैसे आउटसाइडर को लेकर उन्हें लेने की वजह से लोग खुश होंगे क्योंकि सुशांत की डेथ के बाद कई फैंस बॉलीवुड से नाराज हैं नेपोटिज्म को लेकर। उसके बाद तो नेपोटिज्म की फिल्में बैन करने की मांग की जाती थी क्योंकि सुशांत जैसे टैलेंटेड बंदे को बॉलीवुड में अननेसेसरी स्ट्रगल करना पड़ता था, ये बात भी सामने आई थी। तो इन्होंने सुशांत के बाद किसी ऐसे एक्टर को कास्ट नहीं किया जो अभी तक अपना टैलेंट दिखा नहीं पाए और बस फादर फिगर के सहारे इंडस्ट्री में है, इसीलिए ये भी एक प्लस फैक्टर है इस फिल्म के लिए। तीसरी बात तो साफ है और हमारी नजरों के सामने और वो है कार्तिक का हार्डवर्क। हड्डी पसली एक होना क्या होता है ये हमें कार्तिक को देखकर समझ आता है। मतलब कार्तिक इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेते वक्त पूरे कमिटेड थे। इतना ही नहीं बल्कि एक पॉइंट ऐसा था जिसमें वो बस ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। कई लोगों ने उन्हें नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा पर अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने अपने ट्रेनर पर भरोसा रखते हुए वेजिटेरियन डाइट प्लान ही चुना। 1.5 साल तक उन्होंने शुगर को हाथ भी नहीं लगाया और डिजर्ट को तो भूल ही जाओ। उन्हें अपने पसंदीदा डिशेज नहीं दिए जाते थे बल्कि थोड़ा सा खाना और पानी दिया जाता था। मतलब ये तो घोर अत्याचार है भाई। और उनके इसी सैक्रिफाइस का नतीजा हमारे सामने है। इसी वजह से भी ये फिल्म और ज्यादा चर्चे में आ गई जबकि बॉलीवुड प्रेमियों को बायोपिक बोर कर रही है और रिसेंटली मैदान देखने में तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। चौथी बात ये कि फिल्म के ट्रेलर में हमने एक सीन देखा जिसमें कार्तिक बूढ़े अंदाज में नजर आ रहे हैं। ओल्ड मुरलीकांत पेटकर बनकर वे कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करूंगा और कुछ मेडल्स भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, इसकी क्या रियलिटी थी, 9 गोलियां खाने के बाद एक वॉरियर चैंपियन बॉक्सर बनने के बाद भी ऐसा क्या हुआ, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तो अर्जुन अवार्ड खेल की कैटेगरी में दिए जाने वाले दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1982 में मुरलीकांत पेटकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि वो अर्जुन अवार्ड के हकदार है। उनकी बात को खारिज कर दिया गया। मुरली को ठेस पहुंची, उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। इस बेरुखी के बाद को उन्होंने अपने सारे मेडल सर्टिफिकेट्स जमा किए, उनका गटर बनाया और एक कोने में धर दिया। खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। हालांकि उसके बाद उन्हें सहारा भी दिया गया, पर ये बस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या क्या छुपा है और ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड कर सकता है। वैसे फिल्म के प्रमोशनल कॉन्टेंट में फिल्म के गाने भी शामिल होते हैं। अब इस फिल्म के गाने सत्यानाश में अगर आप देखें तो उस गाने की ट्यून और बीट्स बिल्कुल रणबीर कपूर की जग्गा जासूस के गाने गलती के मिस्टेक की तरफ लग रहे हैं। और गाने का जो लुक है वो फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग के गाने हवन करेंगे जैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉपीड है ऐसा भी लग रहा है और फैंस ने इसे पकड़ भी लिया है और इसमें कुछ नया नहीं है, इसीलिए इसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है। अगली बात है कबीर खान, जो कि बजरंगी भाईजान जैसी इमोशनल फिल्म बनाने में माहिर है, तो वहीं एक था टाइगर जैसी एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म।
दो अलग ऑपोजिट जॉनर की ये महारथी हैंडल कैसे करते हैं ये खुद ही जानते हैं, पर चंदू चैंपियन एक बायोपिक है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और ऐसे तो उन्होंने 83 के साथ भी किया था, पर 83 में उनका डायरेक्शन कुछ खास नहीं था, वे इंटरेस्टिंग इम्प्रेसिव एलिमेंट्स उसमें थे, फिल्म काफी बोरिंग लगती है, ना फिल्म के गाने अच्छे थे, ना फिल्म के सीन्स उतने दमदार, और कास्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी रणबीर सिंह को छोड़कर, जिस वजह से भी वे कबीर की फिल्म लग नहीं रही थी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। इसलिए इस बार भी ऐसा कुछ ना हो ये थोड़ा सा डाउट तो जरूर होगा, पर कबीर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। और अगेन एक्शन मासी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी बायोपिक का आना ये कोई नई बात नहीं है, पर फिल्मों में भी अगर नई बात नहीं होगी तो ऑडियंस आगे चलकर बायोपिक्स को बैन ही ना कर दे। अब चंदू चैंपियन को लेकर एक उम्मीद कार्तिक ने जगाई है, पर फिल्म के अंदर क्या कंटेंट है, उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वे कितनी इमोशनली एंगेजिंग है, इस पर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ डाउटफुल पॉइंट्स की वजह से अभी तो 50-50 पॉसिबिलिटी हमारे सामने है इस फिल्म को लेकर, इसके सक्सेस को लेकर, पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वेल, आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। तू नहीं, चैंपियन है मैं। वैसे शुरू के बादशाह अरिजीत सिंह का कोई भी गाना आंखें बंद करके सुनना, मतलब वो एक अलग ही फीलिंग होती है, पर आंखें खुली रखकर पीछे अरिजीत की आवाज और पर्दे पर कार्तिक आर्यन का धाकड़ अंदाज देखने वाले, मतलब अरिजीत प्लस कोकी कार्तिक का निकनेम इज इक्वल टू डांस कोरियोग्राफर मुद्दसर खान की भाषा में चिक चिक बूम फायर होता है। वैसे कार्तिक की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन के अभी दूसरे रिलीज गाने तू ही चैंपियन का टीजर तो बस एक छोटी सी चिंगारी थी, पर पूरा गाना फायर है फायर। तो उस गाने की शुरुआत में ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो बोला गया है कि चैंपियन गिरता है पर कभी झुकता नहीं, असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है बल्कि असली जीत तुम्हारे अंदर की उस आवाज को हराने में है जो तुम्हें हर रोज कहती है तुम पहले से हार चुके हो। क्योंकि अगली फ्रेम में हम विजयराज और कार्तिक को देखते हैं जो उर्फ मुरलीकांत पेटकर उर्फ कार्तिक से पूछते हैं कि तू बनेगा चैंपियन, जिस पर रोते हुए कार्तिक हाँ बोल देते हैं। और उसमें अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक की बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे हो रही है। इसमें कार्तिक अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए भी नजर आते हैं, कभी वेट लिफ्टिंग डंबल्स उठाते नजर आते हैं। तो ये गाना ओवरऑल उनके हार्डवर्क डेडिकेशन और जीरो कॉन्फिडेंस से लेकर एक कॉन्फिडेंट बंदा और बॉक्सर बनने तक की छोटी सी झलक दिखाई देती है। वैसे कार्तिक की जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें हम देखते हैं और वहां भी विजय राज ही उन्हें गाइड करते हैं, और ये रोता हुआ बंदा प्रैक्टिस डेडिकेशन पैशन के दम पर चैंपियन बनने की ओर अपने कदम इतनी तेजी से बढ़ाता है कि बॉक्सिंग रिंग में वो जीत हासिल करता है। तो ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और उसमें अरिजीत सिंह की आवाज और उसमें भी प्रीतम का म्यूजिक यानी सोने पे सुहागा। वैसे कार्तिक के डेडिकेशन को ग्रैंड सल्यूट तो है ही, पर अपनी लवर ऑफ क्रिकेटर और लवर ऑफ करेक्टर वाली इमेज को तोड़कर उन्होंने एक एथलीट बनकर एक चैलेंजिंग रोल निभाया है और उसमें उनकी कड़ी मेहनत की तो क्या ही बात करें। और मेकर्स भी तो ये चाहते हैं कि फैंस कार्तिक की मेहनत देखें और चंदू चैंपियन देखें 14 जून को थिएटर्स में पहुंचे। तो मुरलीकांत पेटकर जैसे एक वॉरियर चैंपियन बॉक्सर और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले इंडियन शख्स के कैरेक्टर पर कार्तिक खूब जचेंगे। देखते हैं फिल्म आने वाले वक्त में क्या 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 हासिल करती है। बोले, आप कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग।